स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और वीकली एक्सपायरी का दिन है। ग्लोबल हैंडओवर अच्छा नहीं था, बट उसके बीच में अच्छी बात है कि भारतीय बाजार स्मार्ट रिकवरी के साथ आपको पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहे हैं। वैसे आप देखेंगे तो इंडेक्स आपको फ्लैट दिखेगा, बट जिस तरह से गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, पहले घंटे में बिकवाली हुई थी, वहां से जो बाजार की रिकवरी रही है वो काफी शानदार है। और इस रिकवरी में कई सारे स्टॉक्स, कई सारे सेक्टर्स ने बढ़िया पार्टिसिपेशन भी आपको दिखाया है। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट से थोड़ा मूव आया है, बट कुछ इंडेक्स के दिग्गज हैं जहां पर रिकवरी रही है। बैंक्स का और स्पेशली प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल्स का योगदान काफ़ी मजबूत रहा है, जो इस रिकवरी में बाजार को ऊपर लेकर जा रहा है। तो रिकवरी पर है हमारी नज़र, बाजार के एक्शन पर भी करनी है बातचीत। डेढ़ घंटा है वीकली एक्सपायरी के लिए। आइए पहले इस समय की जो बड़ी बातें वो जान लेते हैं। गुड आफ्टरनून अनिल जी, पॉजिटिव टेरिटरी में दिख रहे हैं, हल्के फुल्के ही सही, बट एटलीस्ट पॉजिटिव टेरिटरी में, बताएं इस समय की बड़ी बात। वेरी गुड आफ्टरनून दीप, और वेरी गुड आफ्टरनून इसलिए कि कल देर रात को कोई ये नहीं सोच सकता था कि हरे निशान में भी बाजार दिखेंगे। पहली वजह वो है। दूसरी वजह ये कि जहां बाजार को सपोर्ट लेना चाहिए वहीं पर सपोर्ट गया है, और जहां रुकना चाहिए वहीं रुके। दोनों ही जगह, मतलब आप डिसिप्लिन से चलें, इससे बढ़िया मार्केट हो नहीं सकता। उसका विस्तार से करेंगे विश्लेषण, लेकिन जैसा आपने कहा कि पहले बड़ी बातें बता दी जाए, तो बड़ी बातें ये कि निचले स्तर से स्मार्ट रिकवरी आती हुई दिखी। अब भी लोअर लेवल से बाजार लगभग 100 अंक ऊपर निफ्टी पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और बैंक निफ्टी पर लगभग 300 अंकों की रिकवरी आपको मजबूत मिली है जहां पर आप ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स अब भी अच्छी खासी मजबूती, निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये आपके लिए दिग्गजों का रुझान इस वक्त नजर आएगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जोश में है, तेजी यहीं से बनती हुई दिख रही है। एफएमसीजी और फाइनेंस यानी कि एनबीएफसी के शेयर मजबूत है। मेटल, ऑटो और फार्मा ये आज तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग सरकारी बैंकों में आपको दिखेगी। आईटी शेयर एकमात्र ऐसा इंडेक्स है जो थोड़ा आज वजनदार है और कमजोर भी है। रियल एस्टेट शेयरों में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग। विक्स 5% घटा है, घट नहीं था, फेड की मीटिंग चली गई, तो अब मीटिंग जाने के बाद उतार चढ़ाव में कमी आने की उम्मीद सबको होती है, वो विक्स को भी है। लेकिन इस बीच डाउ फ्यूचर्स पूरे जोश में है और अपने कहीं भी संकेत ऐसे नहीं है डाउ फ्यूचर्स से जो आपको लगे कि ये अपनी रफ्तार कम करने के मूड में। 150 पॉइंट अभी ऊपर हैं डाउ फ्यूचर्स आपके सामने, और 125 पॉइंट ऊपर हैं नैस्डेक फ्यूचर्स। हालांकि यूरोप के बाजारों में आधा परसेंट के आसपास की कमजोरी है, जो कि जायज है। 1/4 से आधा परसेंट, 1/3%, ओके, इट्स ओके, ठीक है सर। मतलब कल शाम का अगर डाउ का एक्शन देखे तो उस हिसाब से तो ठीक ही है, नॉट बैड, और बढ़िया मूड में है। तो अमेरिकी फ्यूचर्स का सहारा है, हमारे बाजार भी पूरी तरह से पॉजिटिव आ गए। तो आज सुबह जो बात आप कर रहे थे एक्चुअली कि एक्शन इतना खराब नहीं है, जो कहा भी है उतना भी खराब नहीं है, आई थिंक बाजार में भी कहीं ना कहीं उस बात का रियलाइजेशन आ रहा है कि चलिए ठीक है, मूड माहौल जो भी है, हुआ एक्शन ठीक ही हुआ। बाजार ना अच्छे है ना खराब, ना खराब है, बाजार परफेक्ट है। अच्छा, हाँ परफेक्ट है, हाँ एकदम परफेक्ट है। ऐसे ही बाजार होने चाहिए। क्यों होने चाहिए दीपू, मैं बताऊं। आपने एक खराब खबर देखी, यस, कि अमेरिका 500 पॉइंट घटा है। जो कुछ भी फेड के फैसले आए, फेड की इस कमेंट्री आई, जेनेट एलेन जी ने जो भी बोला, उसके बाद एशियाई बाजार में हल्का फुल्का कमजोरी का रुझान था, सब कुछ आपने देखा। हमारे बाजार कल ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे के आसपास बंद हुए हैं। थोड़ी सी हम आउट परफॉर्मेंस की बात 2-3 दिनों से कर रहे हैं कि हम उतने खराब नहीं होंगे, आज देखिए फिर वो दिख भी रही। ऐसी सिचुएशन में आपके लिए ये बहुत जरूरी कि आप बड़ी तेजी से बढ़े ना, बड़ी तेजी से घटे ना, मैच्योर रिएक्शन, इंस्टेड ऑफ मतलब है ना एकदम वो हल्का फुल्का भागते फिरते वाला रिएक्शन नहीं, मैच्योर रिएक्शन। मैच्योर रिएक्शन कैसा होता है कि जो सही रेंज है जहां पर आपको खरीदारी आनी चाहिए वहीं पर आए। 16950 17050 आज की हमारी जो परफेक्ट रेंज थी कि सुबह सुबह इस रेंज में आने पर आपको मौका छोड़ना नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली आज का लो 17048 का है, 17045 का है, यानी कि उस रेंज से ही वहीं पर सपोर्ट लेके घूमे। और आपको याद होगा सुबह बैंक निफ्टी की भी हम यही बात कर रहे थे कि 39,700 वो जगह जहां आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए, और आज बैंक निफ्टी का लो 39,728 का है। ऊपर की तरफ 17,200-17,250 रुकावट की जगह, वहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आज का हाई भी 17,205 का है, और बैंक निफ्टी में जरूर अपने हाई 40,085 से थोड़ा सा ऊपर एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने के लिए पहुंचा जरूर है, लेकिन अब भी 40,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ये भी रुक रहा है। 40,250 के बजाय 40,200 से घूमा है। सो आई थिंक मार्केट एकदम परफेक्ट है। जिन लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए वो आ भी रही है, और जिन लेवल से आपको खरीदारी आनी चाहिए वो आ भी रही है। दोनों तरफ के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बाजार टेस्ट कर रहा है, दोनों तरफ के ट्रेडर्स को मौके। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ दीप, कि ये ऐसा मार्केट है जहाँ आपको डिसाइड करना है कि मुझे बाय ऑन डिप्स करना है या सेल ऑन राइज करना है, और दोनों तरफ आपके पैसे बन सकते हैं अगर आपने एक व्यू को प्रॉपर पकड़ा है, लेवल
उसके बाद आपने एग्जीक्यूट कर लिया, अगर आपका व्यू प्रॉपर बना हुआ है फिर आपको सिर्फ लेवल पे एग्जीक्यूशन करना है, और अगर आप बहुत स्मार्ट है दोनों तरफ ट्रेड करना जानते हैं, मतलब दिल तो है नहीं सिर्फ दिमाग है क्योंकि दिल से ना मामला थोड़ा हिल जाता है कि तेजी करूं मंदी करूं, दिल में आता है, दिमाग में तो लेवल होते हैं, ट्रेड होता है, स्टॉप लॉस होते हैं, टारगेट होता है, तो सिर्फ जो दिमाग से ट्रेड करने वाले स्किल ट्रेडर्स है दिन भर में इधर उधर ऊपर नीचे दो चार राउंड मार लें उनके लिए भी परफेक्ट मार्केट है। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया मार्केट है जहाँ इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों का पेशेंस बाजार टेस्ट कर रहा है और जिसकी स्ट्रेटेजी में कन्विक्शन है उसका पैसा बन रहा है, वही है। बचे हुए समय में दीपा 17,200 रुकावट की जगह 200-250 पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, 17,100 और 17,050 की रेंज में खरीदना है, नीचे 17,100 से 17,050 इस 50 पॉइंट की रेंज में लेना है, 200-250 की रेंज में देना है, सिंगल्स वाला बाजार यही है, यही है। और बैंक निफ्टी के डेटा में थोड़े आपको डिटेल में बताऊंगा, 40,200 के आसपास देना है, 39,800 के आसपास लेना है, 200 इधर 200 उधर, इधर क्लियर है? ठीक है सर, हाँ चलिए ओके। तो थोड़ी देर में अनिल जी अपने लेवल्स और डेटा और स्ट्रेटजी भी बताएंगे। इस बीच सोचो दीप, वीकली एक्सपायरी के दिन इतने बढ़िया क्रिस्टल क्लियर डेटा बन के आ रहे हैं, बिल्कुल सर, ये तो बहुत परेशान करते हैं भाई इस दिन, तो आज तो डेटा ठीक है मतलब, बिल्कुल सर बिल्कुल। और आपका एक फेवरेट स्टॉक आईटीसी, उसकी बातचीत भी चल रही है, सीएमडी की तरफ से बयान भी आ रहा है, काफी सारी चीजों में बयान आ रहा है, गर्मी में किसानों की आय बेहतर होने की उम्मीद, मिलेट्स जो सरकार की तरफ से काफी बड़ा प्रमोशन हो रहा है इस कारोबार में, आईटीसी भी आएगा, कुछ और मिलेट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स आईटीसी लेकर आने वाला है, ये आपकी खबर आ रही है। गर्मियों में ग्रामीण इलाकों में कह रहे हैं कि बेहतर डिमांड रह सकती है, और सबसे बड़ी बात एफएमसीजी के लिए जो बहुत बड़ी बात है, महंगाई का बुरा दौर इन्हें खत्म होते हुए दिख रहा है, तो आगे का आउटलुक थोड़ा बेहतर बता रहे हैं, स्पेशली रूरल एरियाज, रूरल इनकम बेटर रहनी चाहिए और वहां से जो डिमांड आएगी वो भी बेटर रहनी चाहिए। आईटीसी फिलहाल डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, हम देखते हैं कि सुस्त दिनों में आईटीसी बाजार को सहारा देने की पूरी पूरी कोशिश करता है और आज वैसे ही होते हुए दिख रहा है। आईटीसी पर भी बात करेंगे और भी स्टॉक्स पर करनी है बातचीत, आइए आज की पहले कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और साथ ही ट्रिगर्स जान लेते हैं। कुशल और अरमान है हमारे साथ तैयार, कुशल गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स बाजार के लिए। गुड आफ्टरनून दीप, ट्रिगर्स में पीएफसी को ध्यान में रखिए, चौथे इंटरिम डिविडेंड को लेकर कंपनी की अभी बोर्ड बैठक होनी बाकी है, साथ ही वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट नॉमिनी अजय बंगा साहब पीएम नरेंद्र मोदी और साथ ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ आज मुलाकात कर सकते हैं। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूके की जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी है वो सामने आएगी, और यूरोप के लिए मार्च महीने का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है उस पर भी आपको नजर रखनी है। जहां तक कल का सवाल है, इमामी बायबैक को लेकर बोर्ड बैठक करेगा, साथ ही आरबीएनएल अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक करते हुए दिखेंगे। मनप्पुरम फाइनेंस बोर्ड मीटिंग होने वाली है यहां पर भी, और FY24 के बिजनेस प्लान पर यहां पर चर्चा होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रिटेल निवेशकों के लिए जो ओएफएस है वो खुलता हुआ नजर आएगा, अगर आप ऑफर साइज की बात करेंगे 2450 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 5.85 लाख शेयर्स ओएफएस में रिटेल निवेशक के लिए रखे जाएंगे। कैबिनेट सीसीए की बैठक 6:30 बजे शाम को कल हो सकती है, साथ ही निर्मला सीतारमन जी के साथ वित्त मंत्री, उनके साथ वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट नॉमिनी अजय बंगा साहब फिर से मिलते हुए नजर आएंगे कल के दिन में, ऐसा हो सकता है। साथ ही एक्स डेट है सेल ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, जो उन्होंने अंतरिम डिविडेंड दिया था उसकी, और सुंदरम क्लेटन, ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स जो इनके और ग्रुप कंपनियों के बीच में हुआ था उसकी एक्स डेट कल के दिन में ही तय की गई है। अजंता फार्मा, इसके बायबैक की एक्स डेट है, और फरवरी महीने का जो महंगाई आंकड़ा है जापान का वो भी आपके सामने आएगा। और अंत में 27 मार्च यानी कि सोमवार वीआरएल लॉजिस्टिक्स पर नजर रखिए, इसका बायबैक बंद हो जाएगा। और ट्राई ने एक बैठक बुलाई है हाल फिलहाल, जो हम देख रहे हैं कि जितने काफ़ी सारे स्पैम कॉल्स होते हुए नजर आ रहे हैं उस पर लगाम लगाने के लिए एक बैठक ट्राई की तरफ से बुलाई गई है। तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें, ट्रिगर्स माफ कीजिएगा, और बहुत सारे ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए इसलिए थोड़ा हाईलाइट करना इन्हें जरूरी भी है। आइए अरमान से जानते हैं आज की खबरें कौन सी है। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए जी। सबसे पहले वेदांता पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिखी थी कि कंपनी का लगभग 5% से कम हिस्सा बिक्री का आकलन जारी है, और उसी के साथ साथ इसका जो है इसका उपयोग वो है कर चुकाने के लिए करेंगे। और उसी आर्टिकल में अगर आप देखेंगे, ब्लूमबर्ग ने यह भी क्लैरिफाई किया कि कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके मुताबिक ये जो हिस्सा बिक्री की खबर है वो आधारहीन है, और कंपनी ने हिस्सा बिक्री की जो खबर है वो सही नहीं है, ये भी बताया है उसी आर्टिकल में। मारुति सुजुकी, यहाँ पर कंपनी 1 अप्रैल से गाड़ियों के दाम बढ़ाएगी, मॉडल्स के आधार पर अगर आप देखेंगे गाड़ियों के दाम में बढ़ोतरी की जाएगी। गेल सिंगापुर से भी 4 LNG कार्गो जो है वो सप्लाई करेगी।
जीआर इंफ्रा यहां पर लगभग 1230 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए एल1 बीडर घोषित हुए हैं। हैम हाइब्रिड एनुइटी मोड के तहत जो है इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। डिलीवरी की बात करें तो यहां पर जॉनसन कंट्रोल हिताची के साथ उन्होंने जो करार किया है ये ग्राहकों को तय समय पर डिलीवरी करने के लिए जो है करार किया गया है। एबीबी इन्होंने पैरासन के साथ पैकेजिंग के लिए करार किया है और ये भारत में सस्टेनेबल पैकेजिंग के लिए जो है कंपनी ने करार किया है। वेस्कॉन इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर लगभग 160 करोड़ का इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। वहीं मेट्रो ब्रांड्स की बात करें तो फिला ब्रांड्स के कारोबार को डीमर्ज करने को जो है मंजूरी मिलती हुई है। और अंत में ब्लॉक डील में एक स्टॉक है जिसमें पावर ग्रिड लगभग 45 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। एक चीज बताओ, ये पावर ग्रिड एनटीपीसी में हमेशा ब्लॉक डील होते थे, बाकी तो कोई ट्रेड करते ही नहीं, खाली ब्लॉक में होता है ना फंड्स के बीच में। हाँ, आमतौर पर कभी कभार ये मूड बन जाए कोई, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी का, तो पावर ग्रिड एनटीपीसी साल में एक आध महीना होता है जब ये रिकमेंड होते हैं, बाकी 11 महीने तो फंड के लिए रखें, ध्यान में नहीं आते। चलिए बढ़िया है, तो एक्सपर्ट्स के लिए जो जो भी स्टॉक्स है वो आपके सामने आने की तैयारी में, स्वागत किया जाए हमारे सभी मेहमानों का जो क्लोजिंग शो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं और जैन साहब थोड़े धीर गंभीर हैं और अपनी इमेज के मुताबिक वागले साहब पूरी तरह से नजरें सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर जमाए हैं, बाहर की दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं है। और बदले बदले से हिमांशु जी भी हमारे साथ हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बहुत बहुत स्वागत है वागले साहब, फरमाए सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। वैसे मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर आप ही को मैं देख रहा था, तो मतलब यू मेड माय डे सर, धन्यवाद जी सर। अच्छा ही दिख रहा हूँ ना? हाँ, आप अच्छे दिख रहे हैं लेकिन कुछ चार्ट्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं। वो कोई दिक्कत नहीं, चार्ट्स तो आप जो कहें वो ठीक बताएं सर। हाँ, वो चलेगा ना। हाँ, जी। तो मेरे को सेल कॉल है वेदांता में, क्योंकि आज मॉर्निंग में गिरावट आई, जो भी न्यूज हुआ वहां से बाउंस बैक आया, वो बाउंस बैक एग्जैक्टली 50% आई और उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। 273 के आसपास है, 273 मुझे लगता है मैं 277 के स्टॉप लॉस से बेचूंगा इसको, 260 का पहला टारगेट, और 260 पे भी शायद ये पैटर्न इतना निगेटिव है कि ये 250 तक पोजिशनली जाना चाहिए 2-3 दिन में, ये मेरा मानना है। 5 रुपए का रिस्क, लगभग एक 18-20 रुपए का रिवॉर्ड, ये ट्रेड सेटअप है 1-2 दिनों के टाइम पे। ओके, तो वेदांता है वो स्टॉक जहाँ पर बिकवाली करने की राय आज आती हुई दिख रही है। कुछ खबरें चल भी रही थी कि शायद प्रोमोटर्स अपनी स्टेक थोड़ी सी कम करने के बारे में सोच सकते हैं, कुछ और भी इधर उधर की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, ट्विटर टेरिटरी में। इंटरेस्टिंगली सर, जो ब्लूमबर्ग का आर्टिकल आया जिसमें ये बात है, उसी आर्टिकल में आप नीचे जाओ तो उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी ने इसका खंडन कर दिया है। हाँ, तो आई डोंट नो फिर कहां से डाली क्यों फिर वो खबर आई। तो पहले 3 लाइन्स उनकी ये आई कि ये होने वाला है, और फिर नीचे अगर आप जाके देखो तो उसमें लिखा है कि नहीं, ये नहीं होने वाला है, या कंपनी की तरफ से तो आ गया कि ये नहीं होने वाला है। तो बस यही है, देखिए अब क्या होता है। बाकी अदरवाइज आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी कमजोरी आज वेदांता में इस वजह से दिख रही है। अपनी विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं बंसल जी भी। जी बंसल जी, फरमाए सर। अनिल जी, टिप्पणी के लिए हाथ नहीं खड़ा करा था, मैंने कहा वो कतार पे नहीं है तो हम ही शुरुआत करते हैं, मैं और कुणाल जी, आजकल तो हम बैक इन फॉर्म है, तो बिगुल की गुजारिश थी अनिल जी, उसके लिए कर रहा था। मेरे को लगा वागले जी नीचे दिख रहे हैं तो शायद कॉल वॉल नहीं होगा, बट वागले जी भी बैक इन फॉर्म है, सेकंड मतलब कि सेकंड हाफ का पहला बिगुल वागले जी लगाते हैं, तो बजा दिया अनिल जी। आजकल तो बिगुल के मामले में मूड माहौल इतना ठंडा चल रहा है कि अगर आप थोड़ा सा बोल दें कि मैं इस शो में 4 बिगुल दूंगा तो हो सकता है दीप बोले आज तो मैं शो करने दिल्ली चले जाता हूँ। मतलब इतना सम्मान भी आपको मिल सकता है। आइए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है टाटा कम्युनिकेशन। काफी समय से स्टॉक करेक्शन में था और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है इसका, ये स्टॉक एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों नजरियों से एक अच्छी तेजी का प्रबल दावेदार बन सकता है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ देखने को मिल रहा है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, अगर मतलब की निफ्टी की वीकनेस इसको वीक नहीं करती है और यहाँ पर 1200 के अराउंड की या उसके ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है, तो ये स्टॉक एक्सपायरी के नजरिए से भी बड़ी तेजी से भागने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर वापस से ताकत इसमें आती हुई दिख रही है। स्टॉक 1400 से करेक्ट होकर के मौजूदा स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल है, यहां पर खरीदारी करके चले। यहां स्टॉप लॉस रखना होगा 1206 रुपए पर, 1206 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें टाटा कम्युनिकेशन में। पहला टारगेट होगा 1255 का, 1255 का पहला टारगेट और इवेंचुअल टारगेट 1280 का, 1280 का बड़ा टारगेट है जिसके लिए टाटा कम्युनिकेशन में हमारी खरीदारी कराएं। 1255 1280 के टारगेट के लिए करें खरीदारी आप, ये है टाटा कम्युनिकेशन पर राय आपके लिए आती हुई। थोड़ी देर में नितिन जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ फोन लाइन पर और वो निफ्टी पर निशाना लगाएंगे, लेकिन हीरो या जीरो के ट्रेड पर तो आज वीकली एक्सपायरी के लिए उनकी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी आने की तैयारी में, तो बस जैसे वो जुड़ेंगे हम आपको बताएंगे, तो उसका भी आपको थोड़ा सा करना होगा इंतजार। तो ये है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशंस, नितिन जी भी जुड़ने की तैयारी में। टाटा कम्युनिकेशंस वैसे अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर आया है। एक दो और स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको मोमेंटम के साथ मूव दिख रही है। बायोकॉन वायदा कारोबार के बैन में है, बट अभी अभी एक फ्रेश खरीदारी के संकेत इस पर आते हुए दिखे, तो नजर रखिएगा स्टॉक में मूवमेंट आ रहा है। बट बलरामपुर चीनी ये काफी एक्टिव हो रहा है और आज अच्छी खरीदारी भी दिख रही है। 2.5% ऊपर बलरामपुर चीनी का शेयर आपको दिखेगा, डेज हाई के आसपास ही है। एक बार हिमांशु जी से इसके चार्ट पर राय लीजिए। हिमांशु जी गुड आफ्टरनून सर, जरा देखें बलरामपुर चीनी 375 का लेवल, आज के लिए कोई ट्रेड दिखता है इस पे? गुड आफ्टरनून डी उदी जी, देखिए चार्ट फॉर्मेशन में किसी कोई तरह का चेंज नहीं है। एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद उस गिरावट का एक करेक्शन देखने को मिल रहा है जो आज की तेजी है। टेक्निकली जब तक स्टॉक 375-380 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, मुझे लगता है कि कोई फ्रेश बाइंग का ट्रिगर नहीं है। ऑल इन ऑल एक बड़ी रेंज है स्टॉक में 355-390 के आसपास की, उसी जोन में स्टॉक पिछले 2-3 महीने में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। Okay, तो ये राय है बलरामपुर चीनी पर। और जो इंटीरियर का काम चल रहा है हिमांशु जी, आपके घर पे चल रहा है पास पड़ोस में ऊपर या नीचे? आस पड़ोस में चल रहा है। तो आपने बताया नहीं उनको कि मेरा ऐसा शो रहता है 2-3 बजे के बीच में, और उसी वक्त दिन में काफी लोगों के नींद लेने का भी टाइम है, तो कृपया करके इस वक्त थोड़ा आराम दें जो भी काम करने वाले हमारे जो लोग हैं उनको, ऐसा रिक्वेस्ट नहीं किया? चलिए बढ़िया। तो जो हिमांशु जी के सर के ऊपर ठोक बजाया जा रहा है, जिसकी बात कल कुणाल जी भी कर रहे थे, कुणाल जी इसको कहते हैं ठोकना बजाना। तो चलिए उम्मीद करें कि जल्दी से जल्दी काम खत्म हो और आपको राहत की सांस लेने को मौका मिले, ये आपके लिए। लेकिन आइए हल्की फुल्की उतार चढ़ाव के बीच में ट्रेड कर रहे हैं बाजार, और नितिन जी थोड़ी देर में हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल, बढ़ेंगे आगे इस वक्त थोड़ी देर में। ओके, चलिए तब तक कुछ स्टॉक्स की बात की जाए अनिल जी, क्योंकि मोमेंटम आ रहा है। बट ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में ओएफएस चल रहा है ऑफर फॉर सेल, इस पर एक बार जैन साहब की भी राय ली जाए। जैन साहब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 2450 में ऑफर फॉर सेल आया, फिलहाल 2500 पर ट्रेड कर रहा है, एक बार के लिए ऑलमोस्ट उस लेवल पर नीचे भी गया था आज। बट क्या सलाह है सर निवेशकों को, कल रिटेल के लिए खुलेगा ओएफएस में हिस्सा लेना चाहिए? नहीं देखिए, ये यहाँ पे दो चीज समझनी होती है ये ओएफएस में, क्योंकि हम लोग काफी इस चीज में किए भी थे और एक बार थोड़ा हाथ भी जला था काफी इन्वेस्टर्स का और हमारा भी। तो इसमें क्या होता है, आज जो है एचएनआईज लोग लगा रहे हैं, कल तो सिर्फ रिटेल का लगेगा, 2 लाख के ऊपर की एप्लीकेशन नहीं लगेगी। और आज एचएनआईज जब लगाते हैं तो जनरली ये स्टॉक फ्यूचर्स में भी लिस्टेड है, तो लोग हेज करके भी लगाते कि आप पहले ही बेच दें, और यहाँ पे कोशिश करते कि 2450 की जो बिड है तो ये एडवांस में आपने भेज दिया, दोनों का फर्क को कहीं ना कहीं आर्बिट्राज के तौर पे लेने की कोशिश करते हो, और इसीलिए आज गैप अप भी खुला। सुबह खुलने के बाद नीचे शायद 2475 तक भी गया, वहां से भी बाउंस हुआ है, और टेक्निकली भी मैं अभी देख रहा था तो ये करीब अपने 100 डेमा के आसपास ये करेक्ट भी ऊपर से काफी हो चुका है, तो हो सकता है कि कल बाउंस भी हो जाए। सो जो लोग भी करें कर सकते हैं, रिटेल के लिए तो पर्टिकुलरली कल ये लोग को लगाना चाहिए। अब देखते हैं कि आज क्या भाव वो होता है, फाइनल होता है, कौन सी प्राइस फाइनल होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, तो कल सुबह वापस से डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल मुझे ये स्टॉक बढ़िया लगता है लॉन्ग टर्म में। पिछली बार ओएफएस जब एचएल का आया था हल्का, तो उस टाइम पे जरूर से लोगों के हाथ जले थे और उस टाइम पे ये 1000 के आसपास चला करता था, और अब अच्छा खासा वहां से चला है। तो मेरे हिसाब से कल एक अलग स्ट्रेटेजी की और आज की स्ट्रेटेजी एक अलग चल रही है। अब भाव जहां पे भी आज फाइनलाइज होता है, फिक्सअप होता है, उसके बाद कल देखेंगे। बट ओवरऑल अगर कल ये मार्केट प्राइस के आसपास रहता है तो जरूर से लगाना चाहिए। ये एक पर्टिकुलरली जब ओएफएस की न्यूज आती है तो एक प्रेशराइज जरूर होता है, और जनरली सरकार ये लास्ट वीक ऑफ मार्च में
हमेशा ऐसे टाइप के ऑफर्स आते हैं, मुझे पता कि 23, 24, 25 ये PSUs के टारगेट अचीव करने के लिए करते हैं, तो उसमें जो स्टॉक बढ़ा हुआ रहता है उसमें ये होता है, तो एक प्रेशर जरूर आया, बट इसका जब खत्म हो जाएगा OFS का जो हेडविंड्स है उसके बाद ये स्टॉक चलेगा, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इसको एक्सप्लोर करना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की रणनीति भी अपना सकते। ओके, तो ये है आपके लिए राय बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ HAL में खरीदारी करने की। जरा कुणाल जी, राकेश जी, बाकी सारे मेहमान हैं, जैन साहब को छोड़ के बाकी पांचों के लिए ये सवाल है। जैन साहब ने HAL की रिकमेंडेशन में 200 दिनों के डीमा का इस्तेमाल किया कि 200 दिनों का डीमा के आसपास भी शेयर आ गया है, क्या आप सभी तकनीकी विशेषज्ञों की तरफ से उनको अनुमति है या फिर वो अपने अधिकारों की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए पाए गए? जी, स्वयंभू अध्यक्ष कुणाल सरावगी जी। जी कुणाल जी बोलिए सर। अनिल जी देखिए, ये इस तरह है अनिल जी, जिस तरह डॉक्टरों में अनिल जी स्पेशलाइजेशन होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होता है, इस तरह होता है। लेकिन अगर पेशेंट इस तरह का आए तो कभी कभार अनिल जी दूसरे के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करने से वो लोग अनिल जी परहेज नहीं करते हैं। तो बिल्कुल अनिल जी वैसे ही हमारे जैन साहब हैं, अनिल जी समय समय पर ये भी चार्ट्स में अनिल जी घुसपैठ करते रहते हैं। बहुत ही बढ़िया, ये है जैन साहब की कलाकारी, जो भी जयपुर पहुंचता है उसकी ऐसी खातिरदारी करते ना कि वो आदमी चाहते हुए मन से बहुत इच्छा हो रही है कुणाल जी की बोलने की, जैन साहब ये क्या कर रहे हो, कहाँ घुस रहे हो, हमें भी कुछ करने दो। जेम्स भी आपको देने हैं, इलिक्विड भी आपको देने हैं, लिक्विड भी आपको देने हैं, एफएनओ भी आपको देना है, चार्ट भी आपको, हम क्या करें यहाँ पे जी को जी बंसल जी अपना दुख दर्द कहें। अनिल जी कुणाल जी की नॉलेज के लिए कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कुणाल जी ने बोला ना, डॉक्टर्स भी एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं, तो ये हस्तक्षेप ना हो तो नहीं जी, वहां पर भी अलग अलग डिपार्टमेंट बन रहे हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट जो है ना उसके अंदर भी एक फील्ड आ गई है, नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब कि वो सर्जरी की तरफ नहीं जाएगा, मतलब कि उसकी डिग्री पे लिख दिया अनिल जी। तो अब ये हमारे कुणाल जी अध्यक्ष बने हुए हैं, तो यहाँ पर भी ये भी इसी तरीके की कुछ गाइडलाइन निकालेंगे तभी कुछ होगा अनिल जी। चलिए बढ़िया है, तो ये है आपके लिए जैन साहब की तरफ से राय आती हुई HAL में खरीदारी की। आइए बढ़ते आगे बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। अरे जी, सेल स्टॉक रडार पे आया है, बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा अभी दबाव बन रहा है, जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 1695-1695। स्टॉक का नाम है कोटक बैंक, इसने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत मेहनत करी ऊपर जाने के लिए, लेकिन स्टॉक ऊपर में सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ऊपर में वापस से हिम्मत छोड़ रहा है और एक करेक्शन के लिए वापस से तैयार हो रहा है। कल भी स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया, आज भी स्टॉक में दबाव है और कल का और परसों का लो अभी ब्रेक कर रहा है। कोटक बैंक के अंदर यहां से गिरावट देखने को मिल सकता है, छोटा सा स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिहाज से 1710 का ऊपर में लगाए। नीचे में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं कोटक बैंक के अंदर, 1675 का पहला टारगेट बनेगा, 1675 का लेवल टूटने पे 1660 रुपए तक के लेवल कोटक बैंक में देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करें कोटक बैंक 1710 के स्टॉप लॉस से 1675-1660 के टारगेट से। ऐसे कोटक बैंक पर बिकवाली की राय देते हुए सुमित जी आजकल किसी पे भी बिकवाली की राय दे सकते हैं भाई, तो चलिए यहाँ पर शॉर्ट बनाने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। आइए बढ़ते आगे, अब नितिन जी जुड़ चुके हैं बिगुल के साथ, उनका भी किया जाए स्वागत। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पे 17,100 की कॉल ऑप्शन 37 रुपए में मिल रही है, इसको लेंगे 36-37 ऐसे रेट है, और इसका स्टॉप लॉस होगा 10 रुपए का और टारगेट होंगे इसके करीब 60-65 रुपए के। अब हम लोग डेटा में ये देख रहे हैं कि 17-100 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है और 17-200 पे कॉल राइटिंग है, तो 17-200 का रेसिस्टेंस लिया, वहां से मार्केट अब नीचे गिर के सपोर्ट के आसपास आ गई है, जो 17-100 के आसपास है पुट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। हम यहाँ पे 35-36 की रेंज में कॉल ऑप्शन ले रहे हैं 17-100 की, स्टॉप लॉस 10 का, टारगेट 60-65 का। तो कॉल ऑप्शन खरीदे निफ्टी का आप 17,100 वाला, यहाँ पर ये है राय आपके लिए नितिन जी की तरफ से, लोअर एंड पर है ट्रेडिंग रेंज के, बचा है 45 मिनट का समय, इसमें एक घंटे का समय, इसमें थोड़ी उछाल आने की संभावना बन सकती है। आइए संभावना तलाशते हैं तेजी या मंदी की, निवेश की या निकल जाने की, इंटर ग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो में।
तेजी करे या मंदी, तर्क दोनों तरफ के है बेहद मजबूत। तैयार है कुशल और वरुण फॉर अ चेंज, कुशल है आज बुल फॉर अ चेंज, वरुण है आज बेर। तो कुशल करिए शुरुआत। सर यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन पर बुलिशनेस जारी है मेरी, क्योंकि कल भी मैंने आपको लिंक कर बताया था कि किस तरह से यहाँ पर ब्रोकेज हाउस सिटी ने डबल अपग्रेड किया है और सिग्निफिकेंटली प्राइस इंक्रीज किया है, तो उसके तर्क भी काफी सटीक थे। और उसमें सबसे पहला तर्क मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से एयर ट्रैफिक की डिमांड है और साथ ही जो मार्केट लीडरशिप है कंपनी का, आप देखिए फरवरी महीने में 55.9% की मार्केट शेयर के साथ डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में इसकी लीडरशिप बनी हुई है और मुझे लग रहा है कि आगे चलकर भी ये लीडर ही रहने वाला है। डेफिनेटली देखिए लीडरशिप अभी है लेकिन आगे चल के रहेगा क्या, इसके ऊपर काफी संदेह है क्योंकि कंपटीशन जो है स्पेस में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और काफी सारी नई एयरलाइंस जो है वो अब कॉम्पिटिशन में आ रही है। आप देखिए एयर इंडिया, यहाँ टाटा से एक्वायर किया, उसके बाद अब किस तरह से ये भी फोकस में आते हुए दिखाई दे रही है, विस्तारा, इनफैक्ट अकासा, काफ़ी सारी नई एयरलाइंस जो है वो भी कंपटीशन में उतर गई। और कुशल वैसे भी देखिए इंडिगो में लोग जाते हैं इसके लिए क्योंकि सस्ती है और बाकी अगर एयरलाइंस देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसके एट पार ही अब रेट्स देने लगी है। और अगर ऐसा होगा ना तो इंडिगो में कोई नहीं जाएगा, लेग स्पेस तो है नहीं, पैर आगे रखने की भी जगह नहीं होती, इस तरह की हालत है। तो जाहिर सी बात है आगे चल के अगर प्राइस वॉर ऐसे ही चलता रहा तो इंडिगो अपनी मार्केट लीडरशिप जो है वो गवा भी सकता है। और वैसे भी इस स्पेस में इंडिगो के ऊपर रिपोर्ट्स इसके लिए आती है क्योंकि इसके अलावा सिर्फ स्पाइसजेट है तो कोई काम का नहीं है। तो वरुण अगर आपको लेग स्पेस की प्रॉब्लम है इंडिगो में तो बंसल जी का क्या होता होगा? बंसल जी बंसल जाते ही नहीं होंगे इंडिगो में। बंसल जी क्या टांगे फोल्ड करके वो केबिन में ऊपर रखेंगे, आगे वाली की सीट पे चली जाती होगी अनिल जी? बंसल जी के तो बंसल मेरे ख्याल से हमारे हाइट में तो बंसल सब टॉलेस्ट है। बंसल जी आप बैठ पाते हैं इंडिगो में? अनिल जी बिल्कुल आराम से बैठ पाता हूँ और मैं अनिल जी पहली बार ये नोट कर रहा हूँ कि वरुण इज ऑन रॉन्ग साइड पर खड़े होंगे। मैं अनिल जी बिल्कुल कुशल के साथ हूँ, चार्ट भी बढ़िया है, भागे तोड़ने के लिए तैयार है। और लेग स्पेस की अनिल जी दिक्कत सिर्फ फर्स्ट रो में आती है मेरे को, हर एयरलाइन की फर्स्ट रो में अनिल जी आगे वो कैबिनेट बना होता है ना तो जगह कम होती है तो वो वाली सीट नहीं लेता अनिल जी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है अनिल जी। बंसल जी फर्स्ट वाली रो में सबसे ज्यादा होती है, आप इसलिए नहीं लेते उसके पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं। ईमानदारी से सही सही बताओ उसके पैसे ज्यादा लगते हैं। 1500 रुपए लगते हैं सर उसके अलग से। हाँ अच्छा बताइए कुशल जी सीट में कितना कंफर्ट है कितना नहीं उसके बेसिस पे वरुण अपना तर्क डिफाइन तो कर रहे हैं, बट लार्जली जो लीडरशिप है वो अभी भी कंपनी की बनी हुई है और लगातार कई सालों से इन्होंने ये लीडरशिप बनाई हुई है तो कहीं ना कहीं कंपनी की कुछ तो स्ट्रेटेजी है ये लीडरशिप रिटेन करने की। तो देखना होगा कि आगे किस तरह के डायनेमिक्स बैठते हैं, बट लार्जली आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि जो कच्चा तेल है जो कि इनके फ्यूल कॉम्पोनेंट में काफी बड़ा हिस्सा रखता है, लगभग 40% यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट का इनका हिस्सा बनता है, वहां पर बड़ी गिरावट आई है। तो सीधा सीधा आगे चलकर कंपनी को मार्जिन्स पर फायदा होगा और साथ ही रुपए में भी स्थिरता मेंटेन्ड है। तो ऑयल इंपोर्ट्स जो भी हम करते हैं अगर करेंसी स्टेबल रहती है तो वो भी कंपनी के फायदे में ही जाता है। कुशल इस कंपनी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि कच्चा तेल जीरो भी हो जाएगा ना तो भी ये एबिटार पे लॉस ही बुक करेंगे, इनकी हालत इतनी खराब है फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे तो। बाकी कच्चे तेल की जहां तक आपने बात की तो कच्चा तेल 80-100 के आसपास भी रह सकता है और आगे चल के और ग्लोबली इकोनॉमी की हालत अगर सुधरती है जो कि आने वाले दिनों में तो सुधरेगी, टेम्पररी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बिगड़ी हुई है तो उसका इंपैक्ट जो है कंपनी के मार्जिन्स में हो सकता है। तो ग्लोबल इकोनॉमी सुधरेगी, कच्चा तेल अगर बढ़ा तो इनके मार्जिन्स जो वैसे ही खराब है और खराब हो जाएंगे। चलिए मार्जिन्स खराब है ऐसा देखना होगा कि आगे कितने सुधरते हैं क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि यहाँ पर आगे चलकर काफी अच्छे प्रदर्शन इंडिगो की तरफ से रह सकते हैं, टॉप लाइन तो डेफिनेटली अच्छी है। पर साथ साथ आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो स्टेक है FIIs और DIIs का वो कुल मिलाकर लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में आप देखिए 20-22% दोनों का कंबाइंड शेयर था और अब अभी लास्ट जो दिसंबर का क्वार्टर रहा है वहां पर 26% के अब यहाँ पर इनका स्टेक हो गया है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन दिखा रहा है कि संस्थागत निवेशकों का जो भरोसा है वो इंडिगो पर बढ़ रहा है। डेफिनेटली हो सकता है कि संस्थागत निवेशकों का भरोसा बढ़े लेकिन जो प्रमोटर्स के बीच में प्रॉब्लम है ना उसके चलते शायद हैंगओवर आने वाले दिनों में भी रह सकता है। इनफैक्ट गंगवाल फैमिली जो लगातार स्टेक बेच रही है आने वाले 4-5 सालों में और हिस्सा ये बेचेंगे तो कितना और पेपर मार्केट में आने वाला है इंडिगो का ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है और उसके चलते जो दबाव है शायद वो स्टॉक में आने वाले दिनों में भी बना रहे।
चलिए दबाव बना रहेगा कि नहीं ये तो देखना होगा, बट यहाँ पर जो ब्रोकरेज हाउस है सिटी, उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है अपना टारगेट रेस करने के लिए। 1950 रुपए का पहले टारगेट था और अब सीधा 450 रुपए बढ़ाकर 2400 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। और रेटिंग अपग्रेड आप देखिए, बिकवाली की राय थी 2020 से, इन्होंने लगातार सेल रेटिंग मेंटेन की थी और अब सीधा इन्होंने खरीदारी की राय दे दी है। तो थम्स अप आ रहा है सिटी की तरफ से, लेकिन थम्स डाउन आ रहा है जेफरीज की तरफ से, और इन पे भी कोई दबाव नहीं है, मन मर्जी से ये अंडर परफॉर्मर का कॉल दे रहे हैं 1615 रुपए के लक्ष्य के लिए। किस तरफ जाना है एलजी, क्योंकि बड़ा वेरिएशन है टारगेट में। 2400 डबल अपग्रेड के साथ टारगेट आया, उसके सामने 1600 का भी टारगेट आपको दिख रहा है, दोनों तरफ के मूवमेंट 400 इधर 400 इधर, काइंड ऑफ 400 नहीं 300 नीचे और 500 ऊपर। बहुत बढ़िया बुल वर्सेस बेयर कैंडिडेट, बहुत ही बढ़िया है। और इसमें भी दोनों तरफ के लोग हैं जो मानते हैं कि कच्चा तेल घटेगा गिरेगा तो उनको वो फायदा, कुछ लोगों का मानना है वापस 100 हो गया तो क्या, बहुत सारी चीजें हैं। तो बंसल जी ने तो अपनी राय दे दी इंडिगो पर, बंसल जी के अलावा कोई विशेष टिप्पणी अपनी इंडिगो पर करना चाहता है तो मुझे बताएं, बुल या बेयर तेजी या मंदी की राय किसी की है तो मुझे बताइए, चार्ट्स के हिसाब से या अदरवाइज। जैन साहब जी सर। देखिए अनिल जी, ये स्टॉक को मैं एक क्रूड ऑयल का सरोगेट प्ले के हिसाब से खेलने की राय दूंगा। अब देखिए गुप्ता जी है और वरुण जी है, अब बुल के लिए भी ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि एविएशन सेक्टर पे नेगेटिव रहा, आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव, बट शॉर्ट टर्म में अब इतना बड़ा करेक्शन आने के बाद और लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने के बाद और जिस तरीके के एयरपोर्ट पे पैर रखने की जगह नहीं है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि माहौल थोड़ा सुधरा है, तो इसको आप एक तरीके से स्विंग इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग या जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं जो क्रूड ऑयल के चार्ट्स को देख के करना है या अपने स्टॉप लॉसेस के साथ काम करें तो बेहतर रहेगा। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए मेरी राय नहीं है, आई एम बेरिश इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि उसमें साथ में ये भी देखिए कि आप प्रोमोटर से एक एग्जिट ले रहे हैं और दूसरी तरफ कंपटीशन फैक्टर भी बढ़ेगा और क्रूड ऑयल ऐसा नहीं कि हमेशा ही नीचे आता रहे और कुछ ना कुछ ऐसे प्रेशर में भी नहीं आया, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव आगे भी होने वाला है। तो ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा मौका है कि इस लेवल पे 1700 से 1900 एक अच्छा रेंज है जहां पे सपोर्ट ले सकते हो और अपने नियर टर्म सपोर्ट्स के पास में ही है, और इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो काम कर सकते हो, बट अदरवाइज इन लॉन्ग टर्म आप बेरिश। ओके, तो ये है आपके लिए राय इंटरग्लोब एविएशन पर। हमारे नए नवेले गेस्ट एक और जुड़ चुके हैं, श्रीकांत चौहान साहब भी। श्रीकांत जी भी अपनी राय इंटरग्लोब पर देना चाहते हैं, इंडिगो पर देना चाहते हैं, बताएं सर। अनिल जी सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून, दीपांशु आपको भी गुड आफ्टरनून। देखिए वैसे देखा जाए तो इंडिगो में हमारी कोटक की तरफ से भी जो फंडामेंटल रिपोर्ट या रिसर्च रिपोर्ट निकलती है उसमें हम काफी बुलिश है और हमारे टारगेट्स तकरीबन 2500 के करीब के हैं। बट अगर इसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो मुझे लगता है कि कई बार इसने 1800 1700 या 1900 के रेंज में एक अच्छे मल्टीपल बॉटम्स बनाए हैं और कई बार 2150-2200 के लेवल्स उसने छूने की कोशिश की है, तो हमें लगता है कि करंट लेवल्स काफी अट्रैक्टिव लेवल्स है। मुझे लगता है कि इन लेवल्स के करीब बिल्कुल इसे लेना चाहिए वापस से। इसमें हमें लगता है कि आने वाले दिनों में तेजी देखने मिलेगी और मिनिमम 2100 से 2150 के भाव हम देख सकते हैं, तो करंट लेवल से इंडिगो को लॉन्ग करें। अगर कुछ पोजिशनल बेसिस के लिए अगर कोई स्टॉप लॉस ही रखना है तो मुझे लगता है कि 1800 का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन यहाँ से 200 से 250 रुपए की तेजी बिल्कुल नजर आती है। 200 से 250 रुपए की तेजी बन सकती है इंडिगो में 1800 रुपए 100 रुपए नीचे के स्टॉप लॉस के साथ, लॉन्ग टर्म बनाने की राय आपके लिए आती हुई इस वक्त। आइए बढ़ते आगे और वक्त सिटी साहब से मुलाकात करने का, सदाबहार सिटी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सर, आज क्या है दादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी दो स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह। कैश मार्केट के स्टॉक से याद आया सिरका पेंट्स, बढ़िया तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है, अब तो मेरे ख्याल से एक बायबैक या बोनस पर भी विचार करने जा रहे हैं। 29 तारीख को उसको खबर भी आई, तो सेठी साहब बधाई हो आपके टारगेट हासिल हुए, अपडेट भी दे दें वहाँ पर और साथ ही आज की पहली पिक भी बताएं। बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू सो मच। इसी सोमवार को मैंने सिरका पेंट्स रिकमेंड किया था 614 के लेवल पे और आज हाईज किए इसने 685 के, बिकॉज कंपनी ने कोई बोर्ड मीटिंग का ऐलान किया बोनस डिक्लेयर करने के लिए। बाकी मेरे टारगेट्स थोड़े छोटे थे, शॉर्ट टर्म टारगेट, वो बिल्कुल अचीव हो गए। अभी भी स्टॉक 655-660 के आसपास ट्रेड करता है, तो एक अच्छी रिटर्न हुई है। और अनिल जी फ्राइडे को एक कंट्रोल प्रिंट भी रिकमेंड किया था 482 रुपए में, वो आज 530 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो वहां पे भी 10% अपसाइड हो गई फ्राइडे से अभी थर्सडे के भीतर।
अनिल जी, और दो स्टॉक है जिनमें अनिल जी जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है केम प्लस सनमार, जो अभी 370 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये अनिल जी एक स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है, जो कि मेनली पीवीसी रेजिन्स बनाती है, इसके अलावा कई सारे इंटरमीडिएट्स बनाती है फॉर एग्रोकेमिकल, फार्मा और फाइन केमिकल सेक्टर के लिए। और कंपनी कॉस्टिक सोडा के कारोबार में भी है, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाती है जो कि पेपर सेक्टर में काम आता है, रेफ्रिजरेंट गैसेस भी इनके एक सेगमेंट है जो उसमें भी ये ऑपरेट करती है। एक दमदार कंपनी है, और हाल ही में इनको एक ग्लोबल इनोवेटर ने एक कोई अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट लॉन्च किया था, उसके लिए एडवांस इंटरमीडिएट्स के लिए बड़ा ऑर्डर मिला, जो कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के पास। फिर केपेक्स किया है, उसका भी अब आने वाले क्वार्टर्स में फायदा होने वाला है, और पीवीसी के प्राइसेस भी ऐसे माना जा रहा है कि अब काफी फर्म हो गए हैं, तो उसका भी एक फायदा देखने को मिलेगा। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, अराउंड 28% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है, एक जीरो डेट कंपनी, एक्चुअली नेट कैश है कंपनी के पास आजकल 1400-1500 करोड़ का। फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भी अपग्रेड किया है, हाल ही में इन्होंने अपने एनसीडीज को भी फुल्ली पेमेंट कर दिया है। तो ऑल इन ऑल फंडामेंटल्स अच्छे हैं, एफआईएस डीआईएस भी बुलिश है, अराउंड 34% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें स्टेट बैंक है, मिरे है, एक्सिस है, फ्रैंकलिन है। तो मुझे यह स्टॉक अच्छा लगता है, शॉर्ट टर्म में 390 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है, 360 का स्टॉप लॉस रखना है। 360 के स्टॉप लॉस के साथ केम प्लस सनमार में करें खरीदारी, 390 रुपए के लक्ष्य के लिए यहां पर आप कर सकते हैं निवेश शॉर्ट टर्म के लिहाज से। तो ये थी पहली पिक, और अब आइए दूसरी पिक की तरफ बढ़ते आगे। सर साहब बताएं सर, दूसरी पिक भी आज के लिए कैश मार्केट से ही? हाँ बिल्कुल अनिल जी, कैश मार्केट का स्टॉक है, एक बैंकिंग स्टॉक है, पीएसयू बैंक, इंडियन बैंक, जो अभी 278 पे ट्रेड करता है। इसका टारगेट रहेगा 295 का, स्टॉप लॉस रखना है 272 का। ये भी एक क्वालिटी पब्लिक सेक्टर बैंक है, और बैंकिंग स्टॉक्स में मुझे लगता है यहाँ से अच्छी अपसाइड दिखनी चाहिए, और इस कंपनी के परफॉर्मेंस में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में एसेट क्वालिटी में जबरदस्त सुधार था। नेट एनपीएस जो कि 2.72% थे वो घट के 1% रह गए, और बाकी दिसंबर तिमाही में पैट भी अच्छा था, 1400 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 700 करोड़ का पैट था। प्राइस टू बुक वैल्यू के लिहाज से भी सस्ता लगता है, मुझे लगता है ये जो बैंकिंग स्टॉक है इस बैंकिंग सेक्टर की रैली में बिल्कुल अच्छा करेगा, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और जैसे मैंने कहा 295 का टारगेट और 272 का स्टॉप लॉस, 295 का टारगेट, 272 का स्टॉप लॉस, इंडियन बैंक में करें खरीदारी, और केम प्लस सनमार भी है पसंदीदा शेयर आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, और श्रीकांत जी की तरफ से एक पिक ले ली जाए बिगुल के बाद, और उसके बाद 2:30 बजे वाली तैयार है श्रीकांत जी के लिए बिगुल। बताएं सर। अनिल जी देखिए, वैसे केमिकल स्टॉक्स में हमने काफी अच्छी एक रिवर्सल एक्टिविटी देखी है, और कई सारे स्टॉक्स में काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन बन रहा है। नवीन फ्लोरीन यहाँ पे भी हमने काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन देखा था फरवरी मार्च के महीने में, और अभी उसमें एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन बन रहा है। हमें लगता है करंट लेवल से अगर 4250 या 4245 के करीब अगर हम नवीन फ्लोरीन को अगर खरीदते हैं, तो ये स्टॉक वापस एक बार 4500-4550 के लेवल्स दिखा सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है कि 4400 के लेवल्स ये दोबारा रिपीट कर सकता है, जो अभी एक या दो दिन पहले आए थे। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे एट 4180, तो 50-70 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट्स रहेंगे यहाँ से तकरीबन 4400 के। ओके, तो ये है आपके लिए नवीन फ्लोरीन, जहां पर करनी है आपको इस समय खरीदारी 4550 के इवेंचुअल टारगेट के लिए। आइए अब लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रेटजी। थोड़ी गिरावट हमारे बाजार में आई, और पिछले 5-10 मिनट में ही गिरावट ज्यादा आई, अदरवाइज ठीक है। अमेरिकी फ्यूचर्स 125 अंक ऊपर थे डाउ, और फिलहाल आपको 135 अंक ऊपर दिख रहे हैं। नैसडैक फ्यूचर्स 125 अंक ऊपर है, तो आज लग रहा है कि नैसडैक आज शाम को फायरवर्क्स की तैयारी कर रहा है। दो दिनों से नैसडैक की थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस थी डाउ के मुकाबले। यूरोप में ठीक ठाक कारोबार है, इनफैक्ट फ्रांस के बाजार रिकवरी के मूड में है, ऑलमोस्ट पॉजिटिव टेरिटरी में आ भी चुके हैं। कच्चा तेल ठीक है, रुपया 42 पैसे मजबूत है, 0.5% की मजबूती रुपये में दिख रही है। तो फैक्टर्स तो ठीक ही दिख रहे हैं सर, हमारे बाजार थोड़ा प्रेशर में इस समय, बताएं क्या करना है। ठीक है दीप, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सपोर्ट लेवल पे ही है 17,100 पर। मेरे ख्याल से 17,100 के नीचे बंद नहीं होने चाहिए जहाँ पर हम हैं। आखिरी एक घंटे में क्लोजिंग बेसिस पे इसे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क है तो 50 पॉइंट की, 17,050 के नीचे की दिन की अपसाइड अभी तो नहीं दिख रही है डेटा के लिहाज से। नहीं आपको 17,200 पार होता हुआ दिखेगा,
वहां पर 1,83,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 1,00,00,000 शेयर आज ही जुड़े, तो क्लोजिंग बेसिस पे आपके लिए जो रेंज और लेवल निकल कर आ रहे हैं 17,050-17,150 इस रेंज में रहने की संभावना, 17,150-17,200 के रेंज में आपको बिकवाली आते हुए दिखेगी, और अब नीचे क्योंकि आप 17,100 पर आ चुके हैं तो 17,000-17,050 की रेंज में खरीदारी आएगी और क्लोजिंग 17,100 के आसपास थोड़ा ऊपर होने की संभावना है, उसके आसपास होने की संभावना बनेगी। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में 17,100 के कॉल पर है 1,80,00,000 शेयर का, 17,150 के पुट पर 1,32,00,000 शेयर हैं, इसलिए उसके ऊपर जाकर टिक पाना भी मुश्किल होगा। सो बेस्ट केस सिनेरियो जो दिख रहा है दीप वो ये है कि अगर डाओ फ्यूचर्स आपके 125 पॉइंट ऊपर है और यही रहते हैं तो आप 17,100-17,150 की रेंज में आज एक्सपायरी होते देखेंगे, कोई बहुत बड़ा मूव एक्सपायरी में आने की संभावना कम है। डाओ फ्यूचर्स 200 ऊपर हो जाए तो 17,150 के ऊपर, डाओ फ्यूचर्स 25-50 पॉइंट ही रह जाए ऊपर या नीचे आ जाए तो 17,050 के आसपास बस। समझ गया, तो बड़ा फायरवर्क्स देखने की इच्छा है, बड़ा उतार चढ़ाव तो आई एम सॉरी नहीं देता, ऐसा कह रहे कि ऐसा कुछ होगा नहीं। बैंक निफ्टी आप हैं इस वक्त 39,850 के आसपास और यहीं पर आप सपोर्ट रेंज के आसपास है, 39,800 के आसपास ही सपोर्ट है, सो 39,700-39,800 बचे हुए समय के लिए आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। वैसे उसके नीचे जाना नहीं चाहिए, अगर गलती से गया तो 39,500-39,600 बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, ऊपर में 40,000 के ऊपर निकल कर टिकना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि 40,000 के आसपास पोजीशन जिस तरह की बनी हुई है, एक्चुअली 40,000 के पुट पे जो पोजीशन बनी हुई है आप उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेडर आज ट्रैप हुआ है थोड़ा सा बैंक निफ्टी। हाँ, क्योंकि 40,000 के पुट पर 94,00,000 शेयर हैं और आप आखिरी एक घंटे में जाने के पहले उससे 125-150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग ट्रेडर फंसा हुआ है। सो आई थिंक 40,000 के ऊपर की एक्सपायरी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, हाँ 86,42,000 शेयर वहाँ पर हैं तो मेरे ख्याल से 40,000 इसके आसपास ऊपर आने पर प्रॉफिट बुक करिए, 39,700-39,000 के आसपास आए तो हल्की फुल्की खरीदारी की है, 39,600-39,700 की रेंज में लेना है, 40,000 के आसपास देना है, ये बैंक निफ्टी पर आपकी स्ट्रेटेजी। गॉट इट। थोड़ा इस समय प्रेशर डाउ पे आ रहा है, डाउ पे भी आ रहा है और उसका बट डाउ तो सर फिर भी इतना तो दीप है ना, अगर इतना भी नहीं हो तो फिर एक्सपायरी रोज अपन बात करते हैं फिर फायदा क्या, लोग भी बोलेंगे बोर कर रहे हो, होता तो कुछ है नहीं एक्सपायरी पे, आप बार बार सुबह से बोलते हो आज एक्सपायरी कल एक्सपायरी, होता तो कुछ नहीं है तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए हाँ, ताकि बात करने के लिए कुछ ना कुछ रहे। बात तो सही है सर, ठीक है चलिए, टॉकिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं एक्सपायरी के दिन आपको, थोड़ी वॉलेटिलिटी इस समय बढ़ रही है बट एक जगह है जहां पर आपको सर्टेनिटी मिल रही है और वो है आपके लिए पूरा का पूरा इंफ्रा स्पेस, स्पेशली रोड डेवलपर्स जहां पर आपको बड़ा एक्शन दिख रहा है बट पूरा इंफ्रा स्पेस ही है, कुछ कैपिटल गुड्स कंपनीज भी हैं, लगातार ऑर्डर की बौछार है, रोज हम स्टॉक्स न्यूज में जब हाईलाइट करते हैं तो 3-4 कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, आज ही के दिन देख लीजिए 3-4 और बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिले, तो पिछले 6 महीने का ट्रेंड हमारी टीम ने निकाला है स्पेशली हाईवे और इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनीज के लिए, किस तरह का ऑर्डर विन मिल रहा है, किस तरह का कामकाज कर रही है। बजट में तो सरकार के केपेक्स का बड़ा फोकस है ही, आइए आशीष से ये पूरी रिपोर्ट लेते हैं। आशीष बताइए कैसा ट्रेंड चल रहा है? दीपांशु ट्रेंड काफी बढ़िया, जैसे कि आप बता रहे थे कि पिछले 6 महीने में अगर आप देखें तो जो नए ऑर्डर्स निकल रहे हैं इनकी रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ रही है, इनफैक्ट दोगुने से ज्यादा की रफ्तार आ रही है। ज्यादातर जो ऑर्डर्स हैं NHAI की तरफ से आ रहे हैं, सरकारी ऑर्डर्स हैं और कंपनीज जो कि टाइम से ट्रैक रिकॉर्ड इनका काफी अच्छा है, समय पर अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का, इन नए कॉन्ट्रैक्ट्स का पूरी तरीके से जो है यहाँ पर फायदा उठा रही है। अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने में जिस प्रकार से ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, नेशनल हाईवेज के निर्माण अगस्त में करीब 419 किलोमीटर से बढ़कर जनवरी में 1,029 किलोमीटर हो गया है, बड़ी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और आगे भी माना जा रहा है कि जिन कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है वो बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगी और टेंडर भी जीतेंगी। जैसे आपने बताया कि ढेर सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आप GR इंफ्रा को देखिए, आज काफी बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 8-9% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी और सिर्फ मार्च के महीने का आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ कि 6,500 करोड़ के ऐसे ऑर्डर्स हैं, या तो इन्हें ऑर्डर मिल चुके हैं या फिर L1 बिडर ये घोषित हुए हैं। GR इंफ्रा के साथ HG इंफ्रा पर भी नजर रखिएगा, यहाँ पर भी 2,417 करोड़ के ऑर्डर्स जो है इन्होंने जीते, KNR कंस्ट्रक्शन 2,010 करोड़, PNC इंफ्रा 2,000 करोड़ और NBCC में अगर आप देखें तो करीब 2,464 करोड़ के ऐसे ऑर्डर्स हैं और ज्यादातर जो ऑर्डर्स NBCC को मिल रहे हो कैंपस डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए मिल रहे हैं, यानी सिर्फ ये 4-5 कंपनीज को मैं देख लूं तो मिलाकर करीब करीब 15,400 करोड़ के ऑर्डर्स सिर्फ और सिर्फ मार्च में दे दिए गए हैं। तो माना जा रहा है कि अब यहाँ पर जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे जोर पर चल रहा है यहाँ पर फोकस करना चाहिए और अगर सोने पर सुहागा तब हो जाएगा जब प्राइवेट केपेक्स भी यहाँ पर बढ़ जाएगा तब इन कंपनीज को ज्यादा बड़ा बेनिफिट होगा, लेकिन जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है इनके लिए अच्छा समय है।
इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए बड़े ऑर्डर और रोज आजकल रोज आ रहे हैं, चार पांच आज भी जीआर इंफ्रा, एचजी इंफ्रा, एनसीसी को लगातार मिलते ही हैं ऑर्डर्स। और फिर आपके क्या नाम है इसका, पीएनसी, पीएससी, आईआरबी, और शेरी साहब को भी बड़ी पसंद है ये सारे के सारे शेयर। शेरी साहब आपकी लिस्ट बताओ। जैन साहब बताएं सर। नहीं नहीं बिल्कुल, ये बहुत अच्छी न्यूज को कवर किया। और अनिल जी मैं कल एक मैं ऐसे ही बताऊं, मैं इनफ्लाइट मेरे पास में जो पैसेंजर बैठे उनसे ही डिस्कस कर रहा था कैसे वो भी इंफ्रा के सेक्टर में है, ईपीसी का काम करते हैं। परसों एक फ्रेंड से बात हुई आसाम, जो भी ईपीसी में, और वो कोई अरुणाचल प्रदेश में बोल रहा, तो उसका भी ये कहना था कि मुझे हाईएस्ट एवर अमाउंट का ऑर्डर मिला। कल वो बोल रहे मुझे हाईएस्ट एवर। तो ओवरऑल इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो कैपेक्स हो रहा है ये गजब का करे। और एचजी इंफ्रा मैंने जेम्स में रेकमेंड किया है, हमारे जयपुर की कंपनी है। जीआर इंफ्रा वो भी अपने राजस्थान की कंपनी है। और पीएनसी इंफ्रा ये गजब की कंपनी है, केएनआर अच्छा कर रही है। तो जहां पे डेट्स कम हो या डेट्स हो, क्योंकि इन कंपनियों में रहता है। इवन आईआरबी इंफ्रा गजब का आउट परफॉर्म करने लगा और अब तो स्प्लिट भी हो गया। तो सरकार का जो ये दो तीन सालों से जो और ज्यादा जो पुश आया लास्ट बजट में और इस बजट में अब दिखने लगा एक्चुअली में। और मैं तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, कल मैं फ्लाइट के ऊपर से जब देख रहा था तो कम से कम 50 मिनट तक पूरा यूपी क्रॉस कर जयपुर आ रहा हूँ। यानी कि जो हर घर बिजली और वो जो लाइट्स और वो एलईडी लाइट्स ऊपर से दिखते ऐसा लगता है एकदम नजदीक में हम बैठे हैं। और कम से कम 50-55 मिनट तक ये चला है। तो इस तरीके का रूरल डेवलपमेंट, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और मुझे लगता है आने वाले सालों में ये कंपनियां गजब का करेंगी। जो पास्ट में ब्लीड कर रही थी, इनके बैलेंस शीट में जो प्रॉब्लम्स थी वो सब खत्म होने वाली है। और ये कंपनियां को एग्जीक्यूशन भी गजब का है, इनको पिनलाइज भी किया जाता है, इंसेंटिवाइज भी किया जाता है। तो आई थिंक ये सब अच्छा करेगी और इनके जो एंसिलरी यूनिट्स और अच्छा करेंगे। तो हमने तो अभी अलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट रिसेंटली दिया, पीएनसी अच्छा लगता ही है, जीआर इंफ्रा, एचजी इंफ्रा, एलएनटी आपने वेल्थ क्रिएशन आइडिया में दिया, ये सब इंफ्रा स्टॉक्स पे बिल्कुल नजर रख लीजिए। और इनके साथ साथ सीमेंट स्टॉक्स पे बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि एंसिलरी इंफ्रा का बेनिफिट सीमेंट को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राइस जैन साहब की तरफ से आती हुई इन शेयरों पर, जहां पर वो भी है बुलिश। आइए, बुलिश होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ढंग से प्लानिंग करें, अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं, अच्छे शेयर चुनें, और हम आपकी मदद करने जा रहे हैं अपनी एक वेल्थ क्रिएशन पिक के तौर पर। इस पूरे हफ्ते हम आपको वेल्थ क्रिएशन पिक दे रहे हैं, सुबह 9:45 भी, दोपहर 3:45 भी, लेकिन इस पूरे हफ्ते आपको कुछ बेहतरीन इंटरव्यू सुनने का भी मौका मिल रहा है, और कल सुबह भी आपको एक और बेहतरीन इंटरव्यू सुनने का मौका मिलेगा। और दीप सोचिए, कई बार बोलते हैं लोग, बोले मेरा मेरे को ऐसा शेयर बताओ जो साल भर में डबल हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसे ज्यादा लालची होते हैं, बोलते 6 महीने में डबल हो जाए, 3 महीने में हो जाए, कुछ ज्यादा संतोष होते, बोलते 2-3 साल का डबल भी चलेगा। ठीक है, ऐसे भी होता है। तो मेरे जैसे एक बार जरा सारा यहाँ एक्सपर्ट्स कहाँ हैं हमारे सारे, जरा इनको दिखाइए कि मैं कहूँ आपको, मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूँ कि आपके पैसे 100 गुना हो जाए। 100 गुना कितने साल में 100 गुना हो तो चलेगा? एनी गेसेस कितने साल में 100 गुना हो जाएगा सर? बिल्कुल। कितने साल तक जैन साहब, कितने, अगर समझो इसको 26% से अगर आपकी कैपिटल ग्रो करती है तो वो पैसा 10 साल में 10 गुना होता है, 20 साल में 100 गुना होता है, और 30 साल में 1000 गुना हो जाता है। ठीक है, 26% चाहिए? ना वो तो ठीक है, मुझे वो आपका पॉइंट में समझ गया। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आपका पैसा कितने साल में 100 गुना हो तो चलेगा, ये बताओ। अच्छा, एनीबडी एल्स? हाँ जी सुमित जी, जैन साहब को सोचते हैं, जैन साहब क्या कैलकुलेशन करते हैं, भले एक साल भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, पूरा बराबर कर लेगा नुकसान हो जाएगा। जी अनिल जी, मुझे 15 से 20 साल में 100 गुना करवा दीजिए। 15 से 20 साल आप खुद कितना कर, कितने साल में करके देंगे दूसरे से? 15-20 साल अनिल जी, 15-20 साल में करा दो। अच्छा, मेरा कितने में कर देंगे आप ये बताओ? ऐसा क्वेश्चन काउंटर भी आते हैं, ऐसा थोड़ी, हम बढ़िया वाले क्वालिटी के एंकर हैं, ऐसा थोड़ी है एक तरफ वाले पूछते। जी हाँ, कौन और राय देना चाहता था? कुणाल जी। अच्छा अच्छा, कुणाल जी और श्रीकांत जी दोनों बोलना। जी पहले कुणाल जी बोलिए। हाँ अनिल जी, मैं तो क्या, हाँ बोलो बोलो अनिल जी, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप ही करवा रहे हैं अनिल जी, यानी कि अगर अनिल जी आप ड्राइविंग करेंगे तो अनिल जी 5 साल में हो जाएंगे 100 गुना। हाँ
भाई साहब जहाँ मौका लगा मैं तो गाड़ी से कूद जाऊंगा जैसे छोड़ के चलती हुई आगे कहाँ जाके रुकी आप ही जानो जी श्रीकांत जी देखिए बिल्कुल इनफैक्ट अनिल जी देखा जाए तो इस मार्केट में हमने कई बार ऐसे देखा है कि 10 साल के अंदर 100 गुना भी पैसा होता है स्टॉक वैसे उस डिपेंड की लाइक वो कौन से टाइप का हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं और हम कितने उस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ कभी ट्रेड लेते हैं लेकिन यस इतनी बात क्लियर है कि इस मार्केट में 10 साल क्या मैं बोलूंगा अगर 20 साल में भी 100 गुना होता है तो बहुत बड़ी बात है और हमें लगता है कि ऐसे स्टॉक्स के ऊपर बिल्कुल मैं कहूंगा कि फोकस भी करना चाहिए और इन्वेस्ट भी कर लेना चाहिए बिल्कुल ठीक बात है 20 साल में 100 गुना भी हो कोई स्टॉक तो बढ़िया माना जाए लेकिन सवाल ये कि एक आध स्टॉक हो सकता है आपके पास ऐसे मिल जाए आप 50 लो स्टॉक एक आध पे कुंडली मार के बैठ जाओ बेचूंगा नहीं रखे रखूंगा वो 20 साल में 100 गुना हो जाए लेकिन क्या आपका पोर्टफोलियो एक आप बनाओ 20-25-50 स्टॉक का क्या वो 100 गुना हो सकता है क्या ये ज्यादा मुश्किल काम है तो कल सुबह 10:30 आपको एक ऐसे ही महानुभाव से मुलाकात करनी है जिन्होंने 22 साल में पैसा 100 गुना किया है और खुद का नहीं दूसरों का मतलब पूरा वो जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं जबरदस्त बताऊं किससे मुलाकात होगी झलक देखिए आप खुद सुनिए ये रोज कमाने और वेल्थ बनाने की प्रोसेस का जो फर्क है वो कैसे समझे रोज कमाने वाला इनकम कर सकता है वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता है वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको रोज कुछ करने की जरूरत नहीं है वो बोलते हैं ना बोरिंग एंड लेजी मेक्स मनी एक्टिव डज नॉट मेक मनी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूबर्स हैं इन सब के बीच में इतनी इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्ड होती है कि वो आदमी बेचारा यूथ है वो समझ ही नहीं पाता कि मुझे करना क्या है और बनना क्या है इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर ज़्यादा है देखने वाले कम है बट उसको हटा सको और आप एकदम एक डिसिप्लिन्ड वे में आप बोलिए कि हर महीने के मैं 10 तारीख या 15 तारीख को 5,000, 10,000, 50,000 रुपया इन्वेस्ट करूँगा एज अ स्मॉल इन्वेस्टर आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो अहेड आगे के 35 साल और ज़्यादा एक्साइटिंग नज़र आते हैं तो फिर कहाँ वेल्थ बनेगी तो हमारा मानना है कि फॉर एन इन्वेस्टर इंडिया इज अ ड्रीम डेस्टिनेशन और इन्वेस्टर को मैं तो ये कहूँगा पॉजिटिव रहिए अक्रॉस सेक्टर्स आपका पैसा बनेगा तो रिलायंस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के तौर पर सुनील सिंघानिया साहब ने 22 साल में अपने फंड की 10,000 रुपए की यानी कि 100 गुना यस ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है 80,000 करोड़ रुपए मैनेज करने का तो उनका ये वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला और इंटरव्यू कल सुबह 10:30 हम आपके लिए लेकर आएंगे और कल सुबह 11:00 हम आपके लिए एक और बेहद विशेष पेशकश लेकर आ रहे हैं जिसकी तैयारी हम जोर से थोड़े बहुत शोर से भी मैं और दीप दोनों कर रहे हैं अभी तक हमारा फिनिशिंग टच चल रहा है फाइनल टच हुआ नहीं है अभी तक मीटिंग्स चल रही है और हर बार जब बैठते हैं कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है तो कुछ नए नए आइडियाज आते हैं तो कल हम आपके लिए 11:00 एक शो करेंगे क्योंकि हमारा वेल्थ क्रिएशन वीक है कल उसका समापन समारोह होगा 9:45 पर जो आपको वो मिलती है वेल्थ क्रिएशन पिक वो तो मिलेगी लेकिन 11:00 कल हम आपको बताएंगे कि आप अपनी वेल्थ आज की तारीख में इस मार्केट में कैसे बना सकते हैं तो हम आपको पूरे आइडियाज देंगे कब कैसे किस तरह से पैसा लगाना है कहाँ लगाना है अगर आप अच्छे फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बाकायदा हम आपको फंड्स के नाम के साथ बताएंगे डेट में कितना होना चाहिए इक्विटी में कितना होना चाहिए गोल्ड में क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए और सारी एसेट क्लासेस को मिलाकर आप अगले 10-15-20 साल में अगर बड़ा पैसा बनाने की सोच रहे हैं इस मार्केट से तो वो आपके लिए कल 11:00 का शो होगा जो आपको मिस नहीं करना है इनफैक्ट इतनी रिसर्च हो गई अनिल जी कल तो हम एक ही शो कर रहे हैं माल मसाला हमारे पास 3 शो का पड़ा हुआ है अगर सब करना है अगर में सागर भरना है एग्जैक्टली ये बारी होता है कि और वैसे भी हर रोज हम वेल्थ क्रिएशन रिसर्च भी आपके सामने 9:00 करा रहे हैं रख रहे हैं तो बहुत सारा काम हमने पिछले महीने भर में किया है जिसके नतीजे कल वाला शो सारे उन इन्वेस्टर्स के लिए डायरेक्टली पैसा लगाते हैं इक्विटी के अलावा भी लगाते हैं और अगर म्यूचुअल फंड में लगाते हैं उनके जरिए लगाना चाहते हैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ कल के शो में जरूर होगा 11:00 आओ वेल्थ बनाएंगे मिस मत करिएगा और आज एक बार जरा पूछ के देखो जैन साहब ने दवानी जी वाला इंटरव्यू जैन साहब ने सुना है कि नहीं जैन साहब के तो बड़े फेवरेट हैं बिल्कुल जैन साहब यस बिल्कुल अनिल जी मजा आ गया आज का इंटरव्यू था और मैं तो आपको इनफैक्ट अभी थोड़ी देर में अगर आप नहीं पूछो तो मैं हाथ उठा के कॉम्प्लीमेंट करता मजा आ गया उनको सुन के क्योंकि मेरे लिए बहुत स्पेशल है वो क्योंकि मैंने 2 महीना उनके अंडर में समर ट्रेनिंग की हुई एमबीए के दौरान और उन्होंने जो पीएसयूज का उस टाइम पे
विजन दिया और क्या पीएसयू में पैसे बने और उनका विजन लाजवाब है मतलब, और वो जो बातें बता रहे थे वो उनकी स्टोरी बताए कैसे वो इंटर किया, एट दैट टाइम ही वाज अ माय एज एंड उनका जो विजडम और वो जो पेपर्स हम जैसे हमने अगर यहाँ न्यूज़पेपर ऐसे रखा हो तो इतने इतने न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे वो कम से कम, मतलब इतने न्यूज़पेपर का मतलब वर्ल्ड के सारे, और उस टाइम पे वो ऐसी ऐसी चीजें बताए हैं कि ऐसे प्राइवेटाइजेशन होगा, ऐसे कंपनी आएगी, सिंगापुर एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हुआ हुआ है तो इंडिया में भी ऐसी कंपनी आएगी और 10 साल वाकई में देखा नहीं जाए तो जीएमआर जैसी कोई कंपनी आई, तो इनका लाजवाब है मतलब। और क्या आपने सर सवाल पूछे और मतलब मुझे तो एक बार मैं भावुक ही हो गया था और बहुत मजा आया एंड आई थिंक लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें जो ऐसे गुण दिया जिसकी आपने भी उनको पॉइंट टू पॉइंट पकड़ा वो बहुत मजा आया, वो पसंद आया। देखिए जैन साहब ने सिर्फ 2 महीने ट्रेनिंग ली है रमेश धवन जी के पास, ट्रेनिंग सिर्फ 2 महीने, और 2 महीने में जैन साहब बन गए ट्रेनिंग लेके, 2 महीने की ट्रेनिंग में आप जैन साहब बन गए तो सोचो उनसे पूरा ज्ञान लेने का मौका मिल जाए तो क्या, और सबके लिए तो संभव है नहीं कि आप वन ऑन वन उनसे सीख पाए, लेकिन फिर भी वैसे तो सीख ही सकते हैं इस शो से, इस एपिसोड से। एक बार आज जरा झलक देखिए और उसके बाद 9:30 बजे रात को आज फिर से हम ये शो प्रसारित करेंगे। अगर आपने किसी वजह से मिस कर दिया तो ज़रूर देखिएगा, और देखने में अगर आपको लग रहा है कि कैसा होगा तो उसका एक सैंपल अभी दिखा देते हैं आपको। आमतौर पर लोग इस बात की कोशिश में लग रहते हैं कि कब खरीदूं प्रॉपर टाइम से, मेरी एंट्री भी सही होनी चाहिए और एग्जिट भी सही होनी चाहिए। आपका क्या कहना है, इतने सालों के अनुभव के बाद क्या करना संभव है या कोशिश भी करनी चाहिए? Yeah, it's a great second axiom in the market, Anil ji. It's the difference between what is called time in the market versus timing the market. That was in 89. After that, दो चार बार parliamentary scams लगे हैं शेयर बाजार के बारे में, कारगिल हुआ है, global financial crisis हुआ है, सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, floods have taken place in India. Everything is that you can possibly think could have gone wrong in India. Suppose I was in 89 thinking that all these things are going to happen in India over the next 30 years. Aur ye sab hue in the next 30 years. Correct. And yet, the fact of the matter is the index is from 1,000 to 60,000 today. Correct. Okay? So you made a tremendous amount of money by just staying in the market. Jo aam niveshak hai, unko idea nahi hoti hai ki kya global events ka kya impact aayega. Mere ko, for example, in my own opinion, I thought when COVID started, that it would be very bad for financial markets. It turned out we had the strongest rally in the financial market. What I have learned in India is that jisi ne share rakha hai, uski behad jeet hui hai, beshumar paisa aaya hai, dividend aaya hai, capital appreciation aaya hai. Aur jinhone timing create kiye, thode bahut traders successful ho sakte hain, jo trading karte hain, timing wale acche hote hain. But the majority of people don't have that kind of time or focus or energy to pay minute by minute attention to the stock market. They should not be trading and they should be investing. And investing, the key is to buy a good business. Right. More important than anything else is buying a good business. Achha dhanda upar niche jata hai, you have to go and, ye game of rummy nahi hai, ki aap do band hai, they pack karke chhod diye. You have to stay investing in a good business. So spend more time finding that good business. अच्छे बिजनेसेस खरीदें और उनमें पैसा लगाकर आप आराम से बने रहें, ये आज आपके लिए शाम को दमानी साहब की तरफ से फिर से इंटरव्यू देखने को 9:30 बजे 9:30 बजे डन सर। आइए अभी आपके लिए वेल्थ क्रिएशन पिक तैयार है हेमांग जानी साहब की तरफ से। मेरा वेल्थ क्रिएशन पिक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद प्राइस टारगेट ऑफ 725 रुपीज। ये स्टॉक टॉप से लगभग 18% गिर चुका है और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है अर्निंग्स की वो काफी अच्छी है और हमें लगता है कि जो अनसर्टेनिटी थी जो स्लोडाउन की वजह से या अदानी ग्रुप के एक्सपोजर के रिलेटेड वो काफी हद तक प्राइस में आ चुकी है, तो एक साल की अवधि के लिए स्टेट बैंक में निवेश किया जा सकता है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ अबाउट 725 रुपीज। ओके 725 के टारगेट के लिए वेल्थ क्रिएशन पिक के तौर पर SBI खरीदने की राय हेमांग जानी साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और NSE स्टॉक ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस के रेशनलाइजेशन पर विचार विमर्श होता हुआ दिख रहा है। ये हमारे जितने भी वायदा कारोबार के एक्सपर्ट्स हैं उनके काम की खबर है और वायदा कारोबार के अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आपके भी काम की खबर है। फिर से बता दूँ आपको, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE स्टॉक ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइसेस जो होती हैं उनके रेशनलाइजेशन पर यानी कि वो प्राइसेस क्या होनी चाहिए स्ट्राइक प्राइसेस उस पर विचार कर रहा है। ऐसा विचार क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है और इसका असर क्या होगा, ये बताने के लिए ब्रजेश कुमार हमारे साथ इस वक्त तैयार। ब्रजेश बताइए क्या होने जा रहा है,
क्यों होने जा रहा है? बिल्कुल, होने ये जा रहा है कि जो इलिक्विड स्ट्राइक प्राइस हैं उनकी हर एक्सपायरी पर समीक्षा होगी। ओके, हर एक्सपायरी पर, हर एक्सपायरी पर मंथली रिव्यू किया जाएगा। आप स्टॉक ऑप्शंस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, स्टॉक ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। रिव्यू किया जाएगा और एक स्कीम बनाई गई है, उस स्कीम के आधार पर रिव्यू होगा। उस स्कीम में जो फिट बैठेंगे वो आगे जाएंगे और जो फिट नहीं बैठेंगे वो धीरे धीरे फेज आउट कर दिए जाएंगे। अगर स्कीम में अनफिट हैं लेकिन जीरो ओपन इंटरेस्ट है तो वो तुरंत बंद हो जाएंगे। स्कीम में अनफिट हैं लेकिन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है तो वो उनको आगे बढ़ाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कब वो स्कीम के हिसाब से अनफिट हो रहे हैं और फिर जीरो ओपन इंटरेस्ट होने पर उनको बंद कर दिया जाएगा। अब किया क्यों जा रहा है, किया क्यों जा रहा है कि अगर आप देखें तो स्टॉक ऑप्शंस में कुल मिलाकर 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडेक्स ऑप्शन में करीब 7,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो बहुत ज़्यादा जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं तो उसकी वजह से दो दिक्कत आ रही है। एक दिक्कत ये आ रही है कि जो एक्सचेंज का सिस्टम है उसके ऊपर अननेसेसरी का बोझ बढ़ रहा है, और दूसरी बात जो एक्सचेंज का सर्विलांस सिस्टम है यानी जहाँ से निगरानी होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इतनी ज़्यादा निगरानी कर पाना। तो इस साथ ही एग्जाम्पल देख चुके हैं कि किस तरह से इसका मिसयूज़ हो चुका है, तो ये भी एक वजह है कि इस वजह से ये जो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी संख्या को कम करने की कोशिश की जा रही है। अब रेगुलेटर का क्या व्यू है? रेगुलेटर का व्यू ये है कि जहां बहुत ही कम ओपन इंटरेस्ट हो उसको सेटल करके कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर दिया जाए। सेटलमेंट थ्योरेटिकल वैल्यू के आधार पर निकाला जाए और उसको सेटल किया जाए। जो फार अवे स्ट्राइक्स हैं उसको हमेशा स्क्वायर ऑफ मोड में ही रखा जाए। ओके, उनको स्क्वायर ऑफ में, उनमें डिलीवरी लेने देने वाला सिस्टम रखें ही ना? नहीं रखें। ओके, मतलब उनका, या फिर उनको किसी भी प्राइस पर ट्रेड ही ना होने दें। बिल्कुल, ये समझो अभी फॉर एग्जांपल आपके लिए भाव चल रहा है ITC का 380 रुपये, अगर किसी ने 420 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया, करेक्ट, 420 का कॉल ऑप्शन किसी ने खरीदा 50 पैसे में, इलिक्विड है, काम तो होता नहीं का, और 50 हज़ार 5 रुपये में बेच दिया, 5 रुपये में कोई समझदार आदमी ले रहा होगा सोचो मैं क्या, यही प्रॉब्लम है ना एक्सचेंज की। तो एक्सचेंज कह रहा है कि जो इतना फार अवे स्ट्राइक प्राइस का, तो वो अब कैश सेटल ही होगा, उसमें आप वापस वो नहीं कर सकते ऐसा? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। ओह अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जी, बैक टेस्टिंग डेटा के आधार, जो बैक टेस्टिंग की गई है, कुछ नवंबर दिसंबर के नंबर्स लिए गए और उसके आधार पर देखा गया कि कहां पर कैसे कमी हो सकती है अगर ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है। तो जो फार मंथ एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें 71 से लेकर 79% तक के कॉन्ट्रैक्ट घट सकते हैं। मिडिल मंथ एक्सपायरी में 47 to 88% तक की कमी हो सकती है, और जो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट हैं वहाँ पर 23 से लेकर 73% तक कॉन्ट्रैक्ट्स में कमी आ सकती है। और जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगर ये स्कीम इंप्लीमेंट होती है तो 50 to 60% तक कॉन्ट्रैक्ट्स की कमी हो सकती है, और जो वॉल्यूम है वो करीब 5% के आसपास कम होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा स्ट्राइक प्राइस घटाने वाला मामला। अगर किसी की विशेष टिप्पणी है इस मामले पर कि स्ट्राइक प्राइस स्टॉक ऑप्शन की हटाने की, घटाने की, इलिक्विड स्टॉक ऑप्शन में जो सोच रहा है एक्सचेंज ये सब कुछ करने का, कुछ आप में से कोई टिप्पणी देना चाहें तो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वैसे तो इस तरह से अच्छा ही रेगुलेशन है, अच्छा ही लिक्विड है, वहाँ पर बंद होने की तैयारी में। ओके, बढ़िया है। चलिए आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, STBT करना है, बेच के जाना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 515-515.5 का करंट भाव है, मुझे लगता है 520 का स्टॉप लॉस होगा, 5-5.5 रुपए की रिस्क होगी 520 रुपए के ऊपर, और मुझे लगता है 500 तक की मूव आपको कल के दिन में मिलनी चाहिए। आपके लिए SBI में बिकवाली करने की राय, और अगर आप ये सोच करें हेमांग सर की बाइक की राय है वो महीने, दो महीने, छः महीने, साल, दो साल के लिए वेल्थ क्रिएशन पिक के तौर पर, इन्वेस्टर्स के तौर पर, और वागले साहब ने एकदम साफ साफ कहा STBT। STBT का मतलब है सेल टुडे बाय टुमारो, मतलब सिर्फ
और सिर्फ प्योरली ट्रेडिंग के लिए। एक्चुअली वागले साहब मौका बना रहे हैं को अगर मौका वागले साहब बना रहे हैं उनके। एब्सोल्युटली चलिए ये रहा है। कुछ और कॉल्स भी आ रही हैं बैक टू बैक, आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताए सर। दिवांशु, पीएस बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है, तो वागले साहब के बाद मेरा जो स्टॉक है उसका अभी भाव चल रहा है 280-250-283 रुपीस फ्यूचर्स में। स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के अंदर लास्ट दो दिनों में पुलबैक और बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर रहा है, ऊपरी लेवल पे दबाव देखने को मिल रहा है। आज सुबह से इसके अंदर सेलिंग प्रेशर है, कल का लो जस्ट स्टॉक ने अभी ब्रेक कर दिया है और कल के लो के नीचे ये सस्टेन कर रहा है। कैनरा बैंक के अंदर यहां से 7-8 रुपए का या 10-1 रुपए का फॉल एक दो दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 287-288 के पास है, तो 288 के स्टॉप लॉस से कैनरा बैंक में यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने सेल का व्यू लिया है वो भी होल्ड करें। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि नीचे के अंदर 275 रुपए का पहला टारगेट बनेगा और 275 रुपए का लेवल अगर टूटता है तो 272 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से कैनरा बैंक में देखने को मिल सकता है। तो ये 2-3 दिनों के लिए कैनरा बैंक में बिकवाली करें, 288 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए, नीचे के अंदर 275-272 ये दो लेवल देखने को मिल सकता है। 275-272 ये दो लेवल्स के लिए आप कैनरा बैंक यहां पर करें बिकवाली। बैक टू बैक सेल कॉल है बैंक्स पर, आइए देखते हैं हिमांशु जी को क्या करना है, उनके लिए भी बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताए हिमांशु जी। दीप, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में और इससे रिलेटेड बिजनेस में खरीदारी देखने को मिल रही है। टाइटन हमने पिक ऑफ द वीक दिया था, उसमें एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आई, और अब मनापुरम फाइनेंस एक अगला स्टॉक है जो कि मुझे लगता है कि एक रिवर्सल बनाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो मनापुरम के फ्यूचर्स में बीटीएसटी करके चलने की सलाह रहेगी, 121.90-121 के आसपास के करंट लेवल्स हैं। इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे 119 रुपए का और मेरा मानना है कि 126-128 रुपए के टारगेट्स यहां पर कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। तो मनापुरम के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। मनापुरम फ्यूचर्स यहाँ पर खरीदारी करें। तो चलिए इतनी ही सारी सेल कॉल्स के बीच एक दो खरीदारी की कॉल्स भी आई हैं आपके लिए, बट ब्रेकडाउन ना कुछ बड़े वाले बाजार में आते हुए दिख रहे हैं। बैंक्स पर स्पेशली प्रेशर थोड़ा ज्यादा बना है पिछले कुछ मिनटों में। बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% नीचे इस समय आ रहा है। फ्रंटलाइन बैंकिंग नेम्स में सबसे बड़ा कट बैंक ऑफ बड़ौदा में ही दिख रहा है आपको। आइए श्रीकांत जी से एक बार जरा बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट पर राय लीजिए। श्रीकांत जी, पिछले 15 मिनट में ही ब्रेकडाउन हुआ है और आज सुबह अच्छा दिख रहा था, इनफैक्ट 2-3 दिनों से थोड़ा अच्छा ट्रेड कर रहा था। बैंक ऑफ बड़ौदा पर क्या रिव्यू है सर? बिल्कुल दीपांशु, इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो इसने कल के लो को ब्रेक कर दिया है और कल के हाई को भी इसने ब्रेक किया था, तो एक बार रिवर्सल फॉर्मेशन बना है जो इंडिकेशन दे रहा है कि शायद ये जो बैंक निफ्टी है वो एक बार 39,000 तक जा सकते हैं, यानी कि 39,200 तक जा सकती है। और अगर आप इसे स्टॉक्स के साथ देखते हैं तो बिल्कुल जैसे स्टेट बैंक में भी वागले सर ने एक सेल कॉल दिया है, मुझे लगता है कि यस यहाँ पे वीकनेस है। और बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें तो यहाँ पे भी अगर मॉर्निंग से देखा जाए तो इसने काफी इनफैक्ट अंडर परफॉर्म भी किया है। तो ये स्टॉक अगर गिरते हुए नेक्स्ट लेवल्स को अगर छूने की कोशिश करेगा तो 155-156 तक बिल्कुल जा सकता है। करंट लेवल से इसे शॉर्ट करें और स्टॉप लॉस रखें अराउंड आज के हाईएस्ट लेवल्स का, दैट इज 167। तो बिल्कुल बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ स्टेट बैंक को भी शॉर्ट करके चल सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक पर अभी आपके लिए सेल कॉल आ रहा है, ये सारे काउंटर्स वीक हैं। पीएनबी भी देखिए 2% का कट दिखा रहा है। तो बैंकिंग और स्पेशली PSU banks, यहां पर आपको डीप कट्स दिख रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स फिर भी होल्ड आउट कर रहे हैं, इंडसइंड, एक्सिस, बंधन, ICICI, HDFC, ये सारे पॉजिटिव टेरिटरी में हैं, बट सामने PSU banks में आपको एक कट आते हुए दिख रहा है। तो कमजोर कड़ी बाजार की इस समय PSU banks डेफिनेटली दिख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स जहां पर मूव आई है, LIC हाउसिंग में एक वीकनेस दिख रही है, 2% का कट LIC हाउसिंग में अभी आया। एक बार वागले साहब से LIC हाउसिंग का चार्ट चेक लिया जाए, वागले साहब देखें इसे, पिछले 15 मिनट में यहां पर भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर बढ़ा है सर। दीपांशु, 330 का एक सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक किया तो ये स्टॉक 300 तक भी जा सकता है। पैटर्न तो वीक ही है, थोड़ा सा ऊपर बेचना ये बेटर होगा। अभी 334-335 है, 340 के आसपास जब 340 टूटा तब बेचना चाहिए था, तो 345 का स्टॉप लॉस मैच होता। अभी बेच के 3.5% का स्टॉप लॉस मैच नहीं होगा, बाउंस बैक आता है 338-340 वहाँ पर बेचे, और 330 टूटा तो और बेचे क्योंकि फिर वो स्टॉक 300 तक 1-2 दिनों में जा सकता है। तो 330 अगर टूटता है तो फिर थोड़ी सेलिंग बढ़ेगी इस पर,
और पोजिशनल बेसिस पर 300 तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो थोड़ा सेल प्रेशर LIC हाउसिंग फाइनेंस में दिख रहा है। M&M फाइनेंस यहाँ पर भी रखे नज़र, इस पर भी आपको थोड़ी सेलिंग बढ़ती हुई दिख रही है, तो ये दोनों काउंटर्स पिछले कुछ मिनट में प्रेशर पर आ रहे हैं। और बाकी NBFCs में भी प्रेशर है, दिग्गज HDFC लिमिटेड भी आज आपको 0.5% नीचे दिख रहा है, तो कट्स थोड़े इंटेंसिफाई हुए हैं इस स्पेस के लिए। अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग थोड़े और काउंटर्स जहां पर वीकनेस है, डेल्टा कॉप, इसने अभी अभी 190 का लेवल तोड़ा है, इस पर एक बार रखिए नज़र, एक बार इस पर बंसल जी की राय भी लीजिए। बंसल जी देखें सर, 190 का लेवल अभी अभी तोड़ता हुआ डेल्टा कॉप डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। ये दीपांशु एक लेवल भी इसने तोड़ा है, 192 का लेवल था इनफैक्ट दीपांशु जिसको तोड़ा है, और स्टॉक में एक नेगेटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा है, और नीचे में दीपांशु एक नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट 185-187 के अराउंड आता है, तो जिनके पास है जिन्होंने बेचा नहीं है 185 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय है। तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉप 185, अब ये अगला लेवल इस काउंटर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वीकनेस सब बढ़ रही है स्पेस में। एक सेठी साहब का स्टॉक है कोरोमंडल इंटरनेशनल, जहां पर आपको मूव दिख रही है 3% ऊपर, आज सुबह सेठी साहब इसके बारे में बात भी कर रहे थे, 885 का टारगेट दिया था, 895 के लेवल पर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, और आज ऑलमोस्ट 900 तक भी गया था, तो कोरोमंडल में एक अच्छी खरीदारी आई है। बाकी NBFCs गिर रही हैं, श्रीराम फाइनेंस जरा देखें, यहाँ पर एक स्पाइक आ रहा है 1% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस का चार्ट दिख रहा है, बाजार के ट्रेंड के ऑपोजिट जा रहा है, बाकी NBFCs के ट्रेंड के ऑपोजिट श्रीराम फाइनेंस पर आपको ट्रेड इस समय होते हुए दिख रहा है, 0.25% ऊपर इस समय डेज हाई पर। सुमित जी देखें सर, श्रीराम फाइनेंस बकिंग द ट्रेंड, क्या चल रहा है इसमें सर? दीपांशु मेरे को लग रहा है कि एक बार वेट एंड वॉच करें, स्टॉक के अंदर मोमेंटम है बट सारे जगह सेलिंग देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी भी नीचे आ गया, बैंकिंग स्टॉक्स भी नीचे है, फाइनेंशियल स्टॉक्स भी नीचे है, तो श्रीराम फाइनेंस क्यों ऊपर है पता नहीं, लेकिन ये टिकना नहीं चाहिए ऊपरी लेवल्स पे, स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है ऊपरी लेवल पे वापस से सेलिंग प्रेशर आएगा, और अगर चार्ट के ऊपर भी देखेंगे तो श्रीराम फाइनेंस के अंदर 1270-1280 के आसपास मल्टीपल रेजिस्टेंस है, और 200 DMA का रेजिस्टेंस भी है, तो जब तक ये लेवल ऊपर में टूटेगा नहीं तब तक फ्रेश बाय बनेगा नहीं, और नीचे में जैसे ही 1230 का लेवल तोड़ेगा तो आने वाले दिनों में 1200 रुपए तक के लेवल श्रीराम फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं, लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करिए बेटर रहेगा, यह है आपके लिए श्रीराम फाइनेंस पर आए। CSB बैंक जरा इस पर नजर रखिए, बंसल जी जरा CSB बैंक का चार्ट देखें सर, और एक हफ्ते का चार्ट इसका पुल अप करिए, आज तो आपको 2-2.5% ऊपर दिखेगा, एक हफ्ते का चार्ट देखेंगे, CSB बैंक ने स्पेशली पिछले 3 दिनों में जबरदस्त मूव आपको दिखाई है, और अगर आप थोड़ा और लंबा होराइजन लेते हैं, पिछले 7-8 दिन का मूवमेंट देखते हैं, तो करीब करीब 12% ऊपर ये काउंटर है जो पिछले कुछ दिनों में आया है। बंसल जी देखें सर, CSB बैंक क्या चल रहा है इस काउंटर में? दीपांशु बेहतरीन चार्ट है, आप बड़ा चार्ट जो आप बोल रहे थे हफ्ते वाला वो भी देखो तो बढ़िया है, और डेली चार्ट भी बढ़िया है, थोड़ा ऊपरी स्तरों से रिट्रेसमेंट देखने को मिली है आज के हाई से, पर टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, नीचे में 235 के अराउंड अच्छा सपोर्ट है, तो हल्की फुल्की करेक्शन में CSB बैंक पर खरीदारी की राय है। CSB बैंक पर रखिए नजर, एक दो फाइनेंशियल्स हैं जो ट्रेंड को बक कर रहे हैं, अदरवाइज थोड़े वीकनेस फाइनेंशियल्स में ज्यादा, 400 पॉइंट का कट बैंक निफ्टी में दिख रहा है। आइए सुमित जी के लिए एक बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताया सुमित जी, दीपांशु सेल कॉल ही रडार पे आया है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स में 212.25 रुपए, 212.40 रुपए, स्टॉक का नाम है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, ये स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर है कंटिन्यूसली, स्टॉक के अंदर कुछ महीनों से दबाव देखने को मिल रहा है, लास्ट 3-4 महीनों में स्टॉक 200 DMA के नीचे सस्टेन कर रहा है, बीच में छोटे छोटे पुलबैक आए बट स्टॉक ने ऊपर में सस्टेन नहीं किया, मार्केट की गिरावट के साथ स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है, तो ये स्टॉक यहाँ से 8-10 रुपए का फॉल दिखाने को तैयार है, स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 218-219 के आसपास बनेगा, तो 218 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के ABFRL में यहाँ पे बिकवाली करें, नीचे के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 205 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 200 रुपए का, ये लेवल्स आने वाले दिनों में ABFRL में देखने को मिल सकते हैं, 218 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करें 205 और 200 के टारगेट से। तो ABFRL AB फैशन यहां पर सेल कॉल आ रही है सुमित जी की तरफ से, स्टॉक में भी आपको परेशानी दिख रही है। कैश स्टॉक्स पर रखिए नजर, फ्यूचर्स के काउंटर्स में तो आपको थोड़ा प्रेशर दोनों तरफ का दिख रहा है, कैश स्टॉक्स में कुछ काउंटर्स हैं जो एक्टिव हैं, JK लक्ष्मी सीमेंट यहां पर अच्छी मूव आई है, 2.5% ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। श्रीकांत जी जरा देखें सर, JK लक्ष्मी सीमेंट थ्रू द डे धीरे धीरे करके ऊपर आया, 740 का लेवल इस समय 2.5% ऊपर। दीपांशु
बिल्कुल। तो दीपांशु, जेके लक्ष्मी सीमेंट में जो मोमेंटम बना है वो काफी स्ट्रांग है और काफी अच्छी मोमेंटम के साथ ही ऊपर जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो रिट्रेसमेंट के लेवल्स है, तकरीबन 770-780 के करीब इसमें एक रेजिस्टेंस बन सकता है। और उन लेवल्स के करीब हमें लगता है कि अगर कोई लॉन्ग पोजिशन हो तो उसे थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक हमें लगता है कि इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा, 770-780 और लोअर लेवल्स रहेंगे 680 से लेकर 690 के। 680-690 के लेवल्स यहाँ पर सपोर्ट के लिए अच्छे रहेंगे, पर जेके लक्ष्मी सीमेंट थ्रू द डे अच्छी मूव इस काउंटर पर रही है। आइए बढ़ते आगे, और आज की जो चर्चा का विषय था डू नॉट एक्सरसाइज वाला जो ऑप्शन है वो खत्म होने जा रहा है, और इस महीने की एक्सपायरी के साथ ही डू नॉट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ही नेट सेटलमेंट की सुविधा भी शुरू हो रही है। जी हाँ, अब तक आपने इसके बारे में नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि नेट सेटलमेंट की सुविधा है क्या। ब्रजेश हमारे साथ है इस वक्त पूरी जानकारी लेकर। ब्रजेश बताएं, नेट सेटलमेंट ये भी इस महीने की शुरुआत से, आई मीन 30 मार्च से शुरू होने जा रहा है, क्या है पूरा मामला बताएं। बिल्कुल, डीएनई तो खत्म हो रहा है, इसको लेकर बहुत सारा जैसा कि वॉइसेस भी हैं कि ये इसके खिलाफ हैं कि खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन एक जो सुविधा शुरू हो रही है खासतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो ये है कि नेट सेटलमेंट की, यानी आपका जो कैश का कैश की जो आपकी पोजीशन होगी और आपकी जो फ्यूचर की पोजीशन होगी दोनों को मिला करके नेट सेटलमेंट होगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आपकी जो मार्जिन है उसमें करीब करीब 30-32% के आसपास तक की बचत जो है वो होगी निवेशकों को, तो ये एक जो है अच्छी बात होगी। लेकिन ये सुविधा जो है FPI और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको नहीं मिलेगी, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल हैं उनके लिए ही होगी, और लाभ तभी होगा जब आपका ट्रेडिंग मेंबर कैश सेगमेंट में भी हो और F&O सेगमेंट में भी सेम हो। अगर अलग अलग हैं तो आपको कोई फ़ायदा इसका नहीं मिलेगा। साथ ही इसमें जो स्टैम्प ड्यूटी या STT की जो कैलकुलेशन है उसमें किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो ट्रांजेक्शन्स अलग अलग गिने जाएंगे, केवल सेटलमेंट वाला जो पार्ट है वहाँ पर नेटिंग होगी, बाकी ट्रांजेक्शन्स में कोई नेटिंग नहीं हो रही है, इसलिए STT और जो स्टैम्प ड्यूटी की जो देनदारी है उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। ओके, नेट सेटलमेंट की तैयारी कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। तो DNE आ रहा है डू नॉट एक्सरसाइज, उसके सामने ये नेट सेटलमेंट आ रहा है, कैसे देखना बैलेंस इन दोनों का? DNE जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक देखिए, ये जो DNE वाली जो बात है ये इसी सर्कुलर में लाया गया था, जो एक्सचेंज का सर्कुलर था 20 जनवरी का, उसी सर्कुलर में सारी डिटेल थी कि कैसे नेट सेटलमेंट की व्यवस्था काम करेगी, और लास्ट में एक लाइन में जोड़ दिया गया था कि DNE की सुविधा खत्म की जाएगी। अब ऐसा समझा जा रहा है कि ये शायद मैंडेट है कि इसको आगे जा करके फेज आउट करना है, इसीलिए एक्सचेंज की तरफ से ये सर्कुलर आया। लेकिन जितने विरोध देख रहे हैं और जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज बताई जा रही हैं, तो हो सकता है कि इसका कुछ ना कुछ रास्ता इस पर और निकाला जाए। तो चलिए, नेट सेटलमेंट आने की तैयारी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है, ब्रजेश की तरफ से हमें अपडेट भी दे रहे हैं, तो बाजार के रिहा से एक इम्पॉर्टेंट मूव ये भी रहेगी। बट फिलहाल कोई सपोर्ट, कोई रिकवरी के संकेत स्क्रीन पर तो आपको नहीं दिख रहे हैं। एक हल्की फुल्की सरकारी बैंकों की बड़ी पिटाई हो रही है। एग्जैक्टली, सारे PSU बैंक्स आज PSU और मिड कैप बैंक्स, RBL 2.5% नीचे है, PNB 2.5% नीचे है, यहाँ पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 2% भी नीचे है, इवन कुछ NBFCs भी कमज़ोर होती दिखी, तो यहाँ पर बड़ी मार पड़ती हुई दिखी पिछले कुछ में, ज़्यादा ही मार पड़ रही है सर सारे NBFCs और PSU बैंक्स की तरफ से। एक दो और कैश स्टॉक्स है जिनकी मार पड़ रही है। शोभा, यहाँ पर लगातार दूसरे दिन आपने गिरावट देखी, आज सुबह बाउंस बैक भी था, 2.5% ऊपर खुला था ये काउंटर मुझे याद है, और वहाँ से फिर से फिसला है, दो दिन में करीब करीब 15-16% का कट इस काउंटर में आ गया। जैन साहब, शोभा रेडार पर रखते हैं, कल खबर आई थी इनकी तरफ से कि IT डिपार्टमेंट की कुछ रेड्स पड़ी हैं, कंपनी का ही डिस्क्लोजर आया था, कल 13% टूटा था, आज सुबह ठीक खुला, उसके बाद फिर से कमजोरी है। हाँ बिल्कुल, देखिए वैसे तो देखिए बैंगलोर बेस्ड जो ये प्रेस्टीज है शोभा है, वैसे मुझे मतलब अगर आप रियल एस्टेट कंपनीज की बात करें तो मैं इनकी वैसे थोड़ी सी बड़ाई करता था, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि रियल एस्टेट के प्ले और इंफ्रा प्ले के जगह पे हम तो सीमेंट प्ले करते हैं, क्योंकि इन लोगों की बैलेंस शीट में जनरली जो डेट्स रहते हैं वो एक बहुत बड़ा इश्यू लगता है। और जब ये जो न्यूज आई है कल इनकम टैक्स की अगर आई है, क्योंकि देखिए यहाँ पे
जनरली मैं इस कंपनी की नहीं बोल रहा हूँ, ये सेक्टर में थोड़ा सा कई बार कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है कि कुछ डिपार्टमेंट को आया हो, बट एक बार डेंट पड़ता है क्योंकि पूरी कंपनी एक रिएक्टिव मोड पे चली जाती है प्रोएक्टिव मोड से, और ये कैसे अब कितने इनकी लाइबिलिटी आती है क्या आती है, क्योंकि आजकल मतलब और स्ट्रिंजेंट हो रही हैं चीजें और एआई बेस्ड और कई चीजें हो रही है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अब जिन्होंने ले रखा शेयर उनके लिए तो आप देखिए बहुत बड़ा डिप आ चुका, तो मैं बोलूंगा नहीं कि एग्जिट करें, बट नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट अननेसेसरली बॉटम फिशिंग और बोले इतना टूट गया और खरीद लो या एवरेज कर लो वैसा नहीं करना चाहिए। किस हद तक जाती है, क्या लाइबिलिटीज आती है, क्या फाइंडिंग्स आती है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखे। जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, अननेसेसरली निकले भी नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट समहाउ मुझे लगता है कि बढ़िया है, काफी सालों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है एक रियल एस्टेट स्टॉक में ऐसी एक क्वालिटी कंपनी बोलूंगा मैं, बट फिर भी मैंने वैसे इसको रेकमेंड पहले नहीं किया। तो जैन साहब की रिकमेंडेशन में नहीं है, हालांकि कंपनी अच्छी है, बट इस बार जब से उन्होंने खुलासा किया आईटी रेट्स हुई हैं तब से स्टॉक की भारी पिटाई हो रही है। दो दिन में लगभग 16-17% काउंटर खो चुका है, 3.5% तो आज ही कट है। आइए 3:20 हो रहे हैं, लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रेटजी। ग्लोबल पिक्चर भी थोड़ी खराब हुई है, डाउ फ्यूचर्स जो एक समय में ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर दिख रहे थे अब आपको सिर्फ 60 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं, बट उसके सामने नैसडैक फ्यूचर्स देखिए अनिल जी 125 पॉइंट ऊपर है, 1% की तेजी है, तो नैसडैक फ्यूचर्स ने आज कमान या लीडरशिप ली हुई है। यूरोप के बाजार भी अब कमजोर हो गए, आधे से 1% नीचे, एक बार के लिए पॉजिटिव थे ये काउंटर्स। इसका मतलब ये कि आज अमेरिका में अगर कुछ गिरा तो बैंक से गिरेंगे, बैंक्स गिरेंगे, ऐसा लग रहा है जिस तरह से एक्शन दिख रहा है ना नैसडैक और बैंक डाउ के बीच में, जी लगता है शायद बैंक्स के लिए मुश्किल वाला मामला आज फिर से हो सकता है, कम से कम अभी तो यही दिख रहा है। पता नहीं फिर देखो हिंडनबर्ग किस पर रिपोर्ट निकालता है। हाँ उनके आज ट्वीट भी आया ना, हाँ सुबह से चर्चा चल रही है, चर्चा चल रही है, सामने वो ट्वीट रखेंगे हिंडनबर्ग ने सुबह ये कहा है आज की हम एक और रिपोर्ट लाना चाहते हैं, तो अति उत्साहित लोगों से ये कहना है कि अभी अनदर बिग वन सून, सून मतलब कितना सून पता नहीं, कुछ नहीं, और अनदर बिग वन बड़ी आएगी। हाँ। अपनी रिपोर्ट को कोई छोटी कहता भी नहीं है, कहना भी नहीं चाहिए, बड़ी मानते हैं, लेकिन अब ये सवाल है कि ये रिपोर्ट क्या किसी इंडिया के स्टॉक पर है, क्या अमेरिका पे है, कहीं और है, ये किसी को पता नहीं, एनीबडी इज गेस, तो लोगों को डर है। अब देखो कब आती है, किसके नाम पे आती है, क्या है क्या नहीं पता तो नहीं है, लेकिन आ सकती है ये आपको साफ दिख रहा है इस वक्त, तो ये उन्हीं का कहना है तो नेचुरली निकालेंगे, इसी बोल रहे होंगे करेंगे कुछ तो ये भी। तो कुछ लोगों का जो अमेरिका वाले लोग हैं उनका अंदाजा है कि अमेरिका के किसी बड़े बैंक पर हो सकता है। हाँ तो इसलिए अमेरिका के बैंक थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं और शायद इस वजह से डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े जो कमज़ोर हो रहे हैं उसका एक कारण ये भी हो सकता है। आपने क्या सुबह से उठे हुए ना तो देख लिया, ये कल देर रात की ट्वीट है वहाँ की, तो अमेरिका वाले सब अब जाग रहे हैं ना, यस अब जाग जाग कर देख रहे हैं, इसलिए डाउ फ्यूचर थोड़े नीचे आ रहे हैं और वो अब जहाँ तक 2:30 बजे की स्ट्रेटजी का सवाल है तो अपने शांति बनाए रखें, न कोई नई पोजीशन तेजी की बनानी है मंदी की, जो भी बनाना होगा सुबह बना लेंगे, अपने सुबह से यही बात करें थी मार्केट परफेक्ट है, बेचने के लेवल पर रुक रहे हैं, खरीदने के लेवल पर सपोर्ट ले रहे हैं, कल की कल देखी जाएगी। अभी आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 16,900 का पुट आपके पास में होना चाहिए, शॉर्ट है तो 17,200 का चाहे तो आप कॉल ऑप्शन खरीद लें, ना भी खरीदें तो चलेगा। बैंक निफ्टी 39,600 के आसपास बंद हो रहा है, अगर आप चाहते हैं हेजिंग तो 39,300 का पुट ऑप्शन खरीद लें, और शॉर्ट पर अगर आप हेजिंग चाहते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है जी तो 40,000 का कॉल ऑप्शन खरीद लें, ये आपके लिए राय होगी। बैंक निफ्टी 39,600 के आसपास बंद होगा, इसके नीचे नहीं होना चाहिए, 39,600 के आसपास बंद हो रहा है तो उतना बुरा नहीं है। हाँ ठीक है, आप 40,000 बंद होते तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन होते नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है बस वही वाली बात। तो नई पोजिशन तो नहीं बनानी है, क्योंकि अब वो पता नहीं है कि या तो बोल दे कि रिपोर्ट इस दिन निकालेंगे तो भी समझ में आए, एक फेड से निपटे तो अब ये नंबर पता नहीं किसकी निकालेगा भगवान जाने, रोज कुछ ना कुछ आ ही रहा है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ रोज निकल कर आई जाती है, तो आज थोड़ा मूड माहौल इसलिए भी थोड़ा दबाव आया। समझ गया सर, ठीक है, चले ये है आपके लिए अनिल जी की स्ट्रेटजी। आइए जय ठक्कर भी हमारे साथ तैयार, करते हैं उनका स्वागत, लेते हैं कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या करना है। गुड आफ्टरनून दीपक, गुड आफ्टरनून जी, सुबह तक अच्छा मूव आया, हमें एक पॉजिटिव मूव भी देखने मिला मार्केट में, 17,205 तक के लेवल जिन पर देखने मिले, और कॉल ऑप्शन भी अच्छा मूव देखने मिला। अब पुट ऑप्शन का समय है,
मुझे ऐसा लग रहा है 17,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए जो भी आपको 86-87 की रेंज में मिलेगा। फॉर 29th of March 86-87 की रेंज में आपको ये 17,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन मिल रहा है, इसको खरीदने के लिए सलाह है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 42 पर, तो 42 पर स्टॉप लॉस लगाइए, 86-87 की रेंज में खरीदिए। टारगेट इसके 127 से लेकर 153 के बीच है, तो 127-153 ये जो टारगेट के लिए भी इसको खरीदना है। बाउंस बैक अगर थोड़ा बहुत भी आया एंड अगर ये 70-65 के रेंज में भी अगर आपको ओपनिंग में मिला तो डेफिनेटली डब्ल्यू में खरीदे, बिकॉज दिस मार्केट 17,200 के आसपास डेफिनेटली क्लियर एक नो पॉज ले रहा है। वो लोग क्लियरली निकलते हैं कि अगर कुछ ऐसे डेटा शेपअप होते हुए नजर आ रहे हैं कि वो लोग निकले तो ही गोइंग फॉरवर्ड कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, अदरवाइज आई थिंक करके राय आपके लिए 17,000 का पुट ऑप्शन खरीदने की आती हुई दिख रही है। बैन से बेनिफिट तैयार है आशीष। आशीष अपडेट। सर दो स्टॉक है हमारे पास, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है 88% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, बायोकॉन है 83, दोनों नहीं 88 और 83 तो 80 के नीचे आएंगे ना, 80 के नीचे आएंगे तो दोनों भार तो नहीं आ रहे, लेकिन सर एंट्री करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया HAL, जहां पर पोजीशंस में काफी बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। कल 82% थी, आज बढ़कर हो गई है, राउंड फिगर बता रहा हूँ 119%, ये तो पक्का जाएगा, पक्का आ जाएगा, 95% के काफी ऊपर है। तो अब दो की जगह आपके पास 3 स्टॉक होंगे बैन में। ओके, ऑफर फॉर सेल खुला है और ऐसे में पोजीशंस आज बनी है, बैन में चला जाएगा, कल रिटेल के लिए ऑफर फॉर सेल खुलेगा। तो ये है, नॉन रिटेल पूरा सब्सक्राइब हो गया, नॉन रिटेल तो हो ही जाएगा, तो होना ही था, तैयारी के साथ ही आते हैं। ग्रीन शू भी होता है कि नहीं होता वो देखने वाली बात है, 2% पौने दो है और उस पर 2.5 का ग्रीन, दोनों का हो गया तो वो तो हो ही जाएगा, ग्रीन शू भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा तब तो बढ़िया है, 3.5% एक ही बार में काम निपटा ना, नहीं तो फिर 2.5 के लिए बाद में कभी और लगना पड़े, तो चलिए बढ़िया है। यह है आपके लिए पूरा का पूरा FNO के मेन का अपडेट, एक और स्टॉक आने की तैयारी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जिसका चल रहा है। ओके, बैन में आ सकता है, इस पर रखेंगे नजर, ICICI सिक्योरिटीज पर रखें नजर, इस पर एक स्पाइक आ रहा है, ऑयल इंडिया पर एक अच्छी स्पाइक आ रही है, 2.5% ऊपर है। शोभा की हम बात कर रहे थे, प्रेस्टीज एस्टेट जरा देखिए, उनका बैंगलोर में रियल एस्टेट डेवलपमेंट का राइवल, और वहां पर एक बड़ा स्पाइक आया, तो प्रेस्टीज एस्टेट इस समय एक मूव दिखा रहा है। शोभा ऑफकोर्स 16% नीचे दो दिन में, प्रेस्टीज एस्टेट्स आज एक स्पाइक कर रहा है। सुमित जी जरा देखें सर प्रेस्टीज एस्टेट्स का चार्ट। दीपांशु शोभा का तो कल डिस्कशन भी हुआ था, वीक ही लग रहा है स्टॉक, जहां तक प्रेस्टीज का सवाल है, प्रेस्टीज के अंदर मोमेंटम बना है, पिछले चार दिनों के हायर लेवल्स पे ऑलमोस्ट स्टॉक अभी आ चुका है, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन सकता है। स्टॉक के अंदर एक तो क्लोजिंग रिक्वायर्ड है 418-420 के ऊपर, और ऊपर में 430-435 रुपए तक के लेवल स्टॉक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 400-410 के पास है, तो जब तक ये लेवल नीचे में टूटेंगे नहीं तब तक पोजीशंस होल्ड करें, और आज की क्लोजिंग लग रहा है कि 421 के आसपास बन सकती है, तो एक दो दिनों के अंदर इसके अंदर मोमेंटम 430-440 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। स्पार्क सन फार्मा एडवांस जरा इसका चार्ट एक बार पुल अप करते हैं, और जबरदस्त मोमेंटम आया है इसमें, 13% ऊपर ये काउंटर है। वैसे इस चार्ट ने कुछ नहीं करा है, बट आज की मूव शानदार रही है, 13% ऊपर स्पार्क है। आई डोंट नो अगर इसमें कुछ डेवलपमेंट है या कुछ खबर है जिसकी वजह से मूव कर रहा है, बिकॉज अनयूजुअल मूवमेंट है 13% का। बंसल जी एक बार जरा चार्ट देखेंगे सन फार्मा एडवांस स्पार्क। दीपांशु अनयूजुअल मूवमेंट है, बड़ा अपमूव आया, और इससे पहले भी दीपांशु देखें तो यहाँ पर 13 फरवरी को भी दीपांशु ऐसा एक बड़ा मूव आया था, उस दिन इसने अपनी 200-day मूविंग एवरेज को भी टेस्ट किया था, उसी तरीके का अपमूव यहाँ देखने को मिल रहा है। तो दीपांशु थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, 193-194 के ऊपर की डिसाइसिव क्लोजिंग आएगी, लेवल्स टूटेंगे तभी खरीदारी के बारे में सोचेंगे, एल्स वेट एंड वॉच है। तो ये है आपका ये स्पार्क सन फार्मा, देखते हैं कुछ अगर ट्रिगर है या नहीं, ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे कि इतनी बड़ी मूव आई कहां से है इस काउंटर में। आई फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, सुबह गैप डाउन हुआ, उसके बाद एक बढ़िया रिकवरी रही, जब हमने शो की शुरुआत करी तो हल्की पॉजिटिव टेरिटरी में ही थे बाजार, बट फिर वहां से गिरकर आप डेज लो पर बंद हो रहे हैं। ये आपके लिए आज का पूरा पूरा एक्शन रहा है, बेल कर्व जैसा चार्ट एंड में बनते हुए दिखाई। हिंडाल्को टॉप गेनर है 1.5% ऊपर, मारुति टाटा मोटर्स हीरो मोटो कॉर्प यहां से लीडरशिप दिखी है, तो ऑटो का सहारा रहा, थोड़ा सहारा FMCG से भी था, नेस्ले ITC HUL यहां पर भी खरीदारी आपने देखी। प्राइवेट बैंक्स आज उतने खराब नहीं थे,
ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक दोनों ही पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं। एक्सिस बैंक भी लगभग आधा परसेंट ऊपर ही था, बट PSU बैंक सी हुई है जम के पिटाई। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, ये सारे आपको फिसलते हुए दिखे हैं। एशियन पेंट्स टॉप लूजर है निफ्टी का, 1.5% का कट। HCL टेक, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे IT दिग्गज हैं जो आज कमजोर थे। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% कमजोर था। कोटक बैंक प्राइवेट बैंक्स में एक्सेप्शन जहां पर आपने वीकनेस देखी है। टाटा कंज्यूमर, UPL यहां पर कट था। साथ ही आपने देखा आइशर मोटर्स और M&M, यहां पर थोड़ी वीकनेस रही। HDFC और L&T जैसे दिग्गजों से भी सहारा नहीं मिला। HDFC बैंक एकदम फ्लैट क्लोज होते हुए आपको दिख रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आएं, कोरोमंडल इंटरनेशनल, सेरी साहब की सुबह की पिक, 2.5% ऊपर। बलरामपुर चीनी बढ़िया तेजी, 2.5% ऊपर। बायोकॉन बैन में 1.5% ऊपर। मनापुरम यहां पर अच्छी तेजी। टाटा कॉम चार्ट कॉर्नर पिक, यहां पर भी खरीदारी रही। इसके साथ ही इंटरग्लोब, बुल वर्सेस बेयर हमने इस पर बात करी थी, अच्छी मूव आई है। ट्रेंट, टॉरेंट फार्मा, सीमेंस, कमिंस, कोलगेट, यहां पर आपने बढ़िया खरीदारी देखी है। बट वीकनेस HAL कल वायदा कारोबार के बैन में भी आ जाएगा। रिटेल निवेशकों के लिए ऑफर फॉर सेल भी कल रहेगा, आज 5.5% नीचे, हालांकि ऑफर फॉर सेल के प्राइस से करीब 50 रुपये ऊपर ही बंद हो रहा है। वोडाफोन आइडिया 2 दिन की तेजी पर लगा है ब्रेक, 3% का कट। वेदांता 5% का कट, हालांकि कंपनी की तरफ से खंडन है कि स्टेक सेल का कोई भी इस समय विचार नहीं है। RBL बैंक, बर्जो पेंट्स, ग्रैन्यूल्स, डेल्टा कॉप, इंडिया मार्ट, एल्किम, GNFC, इंडिया बुल्स हाउसिंग, मैक्स फाइनेंशियल, ये सारे काउंटर्स आपको फिसलते हुए दिखे हैं। बट GR इंफ्रा बढ़िया खरीदारी इसमें रही। ऑर्डर बिन के बेसिक, सन फार्मा एडवांस, शानदार मूवमेंट इस काउंटर पर भी आपको आते हुए दिखा। बट मिड कैप PSU बैंक्स, यहाँ पर भारी पिटाई थी। एंड में एनएलजी 17,050 तो होल्ड कर रही है, बट 85 पॉइंट नीचे, डेज लो के आसपास बाजार बंद हो रहे हैं। 450 पॉइंट तो बड़ा कट, बड़ी सेलिंग आज बैंक निफ्टी में हुई सर। मोर इम्पोर्टेंटली 39,600 के नीचे बैंक निफ्टी, फाइनल क्लोजिंग 39,600 के आसपास आएगी। और निफ्टी के 17,065 का लेवल जिसके हम बात कर रहे थे उसके आसपास ही आनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन हर गुरुवार बाजार खत्म होने के बाद भी हमारे सारे एक्सपर्ट काम खत्म नहीं होता, सोचो। उसके बाद भी बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, बताइए क्यों? कैसे बंसल जी, बताइए क्यों? अनिल जी, वो प्रोग्राम होता है, स्टोरीज आती हैं, उनमें से सेलेक्ट करना होता है। अनिल जी कभी भी किसी पे जा सकते हैं। हाँ। और सबसे आगे जैन साहब होते हैं, कागज पेन लेके, कागज भी दिखाते हैं, पेन भी दिखाते हैं। हाँ। और नोट करते हैं अच्छे से। बिल्कुल, आप डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ हुए हैं पास, क्लास में फर्स्ट भी आए, ऐसा आप समझ सकते हैं। आइए तो फिर देख लीजिए आपके पसंदीदा शो बात दुनिया की आज शाम को आने वाला है, और उसमें आज कौन सी कहानियां आपको देखने को मिलेगी। आज खुलेगा नीदरलैंड्स में 1,000 साल पुराने खजाने का रहस्य। दिखाएंगे आपको नकली पौधों को 2 साल तक पानी देने वाली महिला की दास्तान। करेंगे इंसान के हाथ पैर दोबारा उगाने वाले तरीके का खुलासा। बताएंगे गप्पे मारने वाली गॉसिप डॉल्फिन्स की कहानी। और मिलिए एक ऐसे कीड़े से जो आपको बना सकता है करोड़पति। देखिए दुनिया भर की रोचक खबरों का पिटारा बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर। यह है आज की आपको चुनिंदा 5 स्टोरीज, 1,000 साल पुराना खजाना नीदरलैंड से, और 2 साल से नकली पौधों को पानी पिलाती हुई महिला, और हाथ पैर उगाने की नई टेक्निक, और गप्पी डॉल्फिन। हाँ। और इसके अलावा करोड़पति कीड़ा। हाँ, किसी की कोई पसंद की स्टोरी है कोई इस पर विशेष? जी कौन? जी सुमित जी बताए सर। अनिल जी, 1,000 साल पुराना खजाना। हाँ, ओह आप छोड़ गए थे। ओके, हिमांशु जी बताए सर। नहीं सर, वो कीड़े वाली बात अच्छी लगी, करोड़पति कीड़ा। कीड़ा करोड़पति बनने का कीड़ा। ओके। जी जैन साहब बोलिए। नहीं सही बोला आपने अनिल जी, एक तो कीड़ा जो आपको करोड़पति बना सकता है, या करोड़पति बनने का जो कीड़ा है वो तो एक बड़ा कंफ्यूजन ही है सबका। बाकी हाथ पे उगाने वाली जो न्यूज है वो एक्चुअली में इंटरेस्टिंग है, मुझे मतलब काफी अच्छी लग रही है। और ऐसा हो जाए दुनिया में जो हैंडीकैप्ड और वो जो इश्यूज है काफी कम हो जाएंगे। बाकी जो गॉसिपिंग डॉल्फिन्स है, डॉल्फिन्स आर फ्रेंडली, और वो लोग, मैं अभी देख रहा था किसी की फोटोग्राफ्स और वीडियो, तो मालदीव्स में कैसे डॉल्फिन्स ऊपर आते हैं और बोलते हैं अटैक नहीं करते हैं,
तो काफी हद तक इनकी ह्यूमन नेचर है, गॉसिप भी ये लोग करते हैं और ह्यूमन फ्रेंडली भी है थोड़ा सा सबके लिए मत सोच लेना, वो वही सारे करते हैं जो जिनका पेट भरा होता है जो पालतू वाली है, जो भूखी वाली है वो उनको जैनसा बड़े टेस्टी लग सकते हैं जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए मुझे तो खजाना दिलवा दीजिए अनिल जी, और दूसरी बात ये जो करोड़पति बनने का कीड़ा है अनिल जी, ये तो शेयर बाजार को ही कह रहे हैं मुझे लग रहा है अनिल जी, शेयर बाजार को अगर आप अपना लें तो जी ये भी करोड़पति बनने के कीड़े से कम नहीं है जी। चलिए बढ़िया, तो 4:30 बजे आपको हम दे देंगे पूरा का पूरा खजाना, 1000 साल पुराना। और किसी को टिप्पणी नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके तो चलिए बढ़ते आगे, और आगे 4:30 बजे बात दुनिया की एक खास शो जरूर देखिएगा। इसके अलावा एक्शन बहुत सारा है और आपकी खबर आपका फायदा है। 6:00 बजे का यह विशेष शो, क्या भारत में कैंसर विकराल रूप लेता जा रहा है। दरअसल ICMR ने कैंसर के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता बताई है और कहा है 2025 तक कैंसर के मामले 12% और बढ़ सकते हैं। वहीं हाल ही में फार्मा कंपनी फाइजर के CEO ने भी माना है कि दुनिया भर में हर 3 में से 1 व्यक्ति को कैंसर होने का खतरा रहेगा। तो क्या कैंसर का डर कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है, इसी पर होगी हमारी 6:00 बजे की चर्चा। समझेंगे कि क्यों इतना तेजी से बढ़ रहा है कैंसर और इसके लक्षणों पर बात करेंगे, बचने के उपायों पर बात करेंगे, एक्सपर्ट से राय लेंगे, कैंसर कब जाएगा डर। डॉक्टर राहुल भार्गव साहब होंगे ऑन्कोलॉजिस्ट फोर्टिस से, डॉक्टर कपिल गोयल ऑन्कोलॉजिस्ट एक्शन कैंसर हॉस्पिटल से, और डॉक्टर अंशुमान कुमार होंगे जो कि कैंसर सर्जन है। इन तीनों से करेंगे हम बात 6:00 बजे। इसके बाद मुनाफा कमाने की पूरी प्लानिंग की पर सेहत पर आपने कुछ ध्यान रखा है, यानी सेहत के खजाने का क्या। आंकड़ों के मुताबिक भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन 14% है जो कि एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा, और इसमें हर साल बढ़त हो रही है। वहीं हेल्थ केयर डिमांड का असर इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी पड़ रहा है। ऐसे में कैसे बनाएं हेल्थ सुरक्षा का चक्र और कितना हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है, ऐसा ही बदलते समय के साथ इंश्योरेंस में क्या इनोवेशन हुए रहेगी, इसी पर चर्चा 6:30 बजे। देखिए सेहत ही दौलत, ये हमारा वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला। और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे बजाज आलियन जनरल इंश्योरेंस के चीफ टेक्निकल ऑफिसर TA रामालिंगम साहब, उनसे करेंगे बातचीत। और साथ ही 6:40 पर हमारे खास सेगमेंट म्यूचुअल फंड गाइड में फिक्स इनकम से मुनाफा कमाने की स्ट्रेटजी बताएंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड के फिक्स इनकम के को हेड देवांग शाह साहब, इन दोनों से करेंगे हम मुलाकात। रात 8 बजे हमारी कवर स्टोरी होगी, ऑटो कंपनी ने कारों के दामों में तेज बढ़त करना शुरू कर दिया है। मारुति ने इसकी घोषणा की, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा मोटर्स भी इस लाइन में आ चुके हैं। 1 अप्रैल से होने जा रही है गाड़ियां महंगी, इसके रीजन क्या है, रॉ मटेरियल की प्राइस या एमिशन के नियम। एमिशन की बात कही जा रही है यानी प्रदूषण की, तो क्या इसके लिए जेब आपको ढीली करनी होगी, इस दलील में कितना है दम, महंगी कार पॉल्यूशन जिम्मेदार, क्वेश्चन मार्क आज की कवर स्टोरी। और आइए आओ वेल्थ बनाए, यहाँ कल सुबह 11 बजे हमारा विशेष शो आप देख पाएंगे, रात 9:30 बजे दमानी साहब के साथ भी आप विशेष शो देख पाएंगे। अगर सुबह आपने मिस किया है तो रात को 9:30 बजे वेल्थ क्रिएटर से मिलिए, इसमें रमेश दमानी साहब होंगे। और इस बीच आप भी वेल्थ क्रिएशन को लेकर अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो हमने एक अभी आपके लिए पोल डाला है, उस पोल में जाइए कि आप अगले 10 सालों में अपनी वेल्थ कैसे बनते हुए देख सकते हैं। तो हम एक कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, चल 11 बजे हम आपके सामने शो रखेंगे, उसके पहले आपके लिए कॉम्बिनेशन है कि आपको कहाँ लगता है वेल्थ कहाँ बन सकती है। स्टॉक मार्केट प्लस गोल्ड, स्टॉक मार्केट प्लस रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट प्लस क्रिप्टो, और स्टॉक मार्केट प्लस FD, कौन सा कॉम्बिनेशन आपको लगता है अगले 10 साल में अपनी वेल्थ सबसे ज्यादा बना सकता है। आपके अपने सबसे बड़ा हिंट तो आपने दे दिया। मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने स्टॉक मार्केट को कॉन्स्टेंट रखा है। वही तो सबसे बड़ा है, लेकिन कॉम्बो आपको बनाना है। आप कौन सा कॉम्बो पसंद करेंगे, और आपको लगता है ये सारे कॉम्बो ना पसंद हो तो आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उसमें आप पोल के बजाय नीचे लिख दीजिए, तो आइए आप भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, बताइए कल सुबह 11 बजे जब हम शो करेंगे तो आपकी इन भावनाओं का सम्मान और ख्याल रखते हुए करेंगे, चिंता न करें। और इस बीच फाइनल क्लोजिंग 17076 पर निफ्टी के आते दिख रही है, बैंक निफ्टी 39616 पर बंद होता हुआ दिख रहा है, और सेंसेक्स में 290 अंकों के नुकसान के साथ 57925 पर हुई है क्लोजिंग। निफ्टी और सेंसेक्स 0.5% नीचे, बैंक निफ्टी 1% नीचे। विदा लेने का वक्त, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद
श्रीकांत चौहान साहब का, हिमांशु गुप्ता साहब का, जय ठक्कर साहब और वागले साहब का, जैन साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें समय देने के लिए। आइए क्लोजिंग शो में मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त। कल है शुक्रवार, ओके, कल फ्राइडे है और बड़ा दिन भी है, कल बड़ा दिन भी, कल वेल्थ क्रिएशन डे है, तो फॉर अ चेंज हम टी शर्ट के बजाय नॉर्मल वस्त्रों में आपका स्वागत करेंगे। बिल्कुल वेल्थ क्रिएशन डे बना रहे हैं, 24 मार्च 2020 भूलिएगा मत, 7511 का निफ्टी उसी दिन हुआ था 3 साल पहले।